एवं वर्चुअल वर्कशॉप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन केमिस्ट्री के चेयरपर्सन प्रोफेसर ओपीएस नेगी सर, निदेशक स्कूल ऑफ साइंस एंड वर्कशॉप के कन्वीनर प्रोफेसर पीडी पंत सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर चारू पंत, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, समस्त सम्मानित शिक्षक एवं विद्यार्थियों, विद्या ददाति विनय, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धन मापनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को ज्ञान बांटने एवं उनकी योग्यता को बढ़ाने एवं निखारने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में कोविड काल के अंतर्गत यह अहम विषय है कि हम सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए ज्ञान को बांटने का कार्य करें। इसी श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान को ना अंधकार रोक सकता है और ना ही कोई दीवार, बस एक जज्बा चाहिए इसे ग्रहण करने का, और निश्चित ही सफलता रास्ता का रास्ता बन जाता है। आज जब सारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और साथ ही आप देख रहे हैं चीन भी हमें बहुत परेशान कर रहा है, ऐसे में यह ज्ञान की व्यवहारिकता से ही जीता जा सकता है। निश्चित ही ज्ञान हमें जीत दिलाएगा। मैं डॉक्टर शालिनी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का सुअवसर प्रदान किया। और विद्यार्थी को कितना कठिन परिश्रम करना चाहिए एवं किन गुणों को धारण करना चाहिए, दो पंक्तियां मैं और कहना चाहूंगी विद्यार्थियों के लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। और इसी के साथ मैं पुनः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भाई हेलो, आवाज आई डॉक्टर शालिनी? हेलो अब आ रही है। हाँ जी, मैम आ रही अच्छा है, आप अच्छा बोलिए। आवाज अच्छा आई नहीं थी पहले, सॉरी। बस थोड़ा माननीय सा कुलपति, अच्छा मैम, सुनो, आप तो रह एंड गया था। नहीं, एंड कर दीजिए मैम, आप सुना था अच्छा हमने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं डॉक्टर शालिनी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत बहुत बधाई और उसका धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका आपने प्रदान किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर नाइस वर्ड्स। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आर ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर हिज ब्लेसिंग वर्ड्स। मेरी आवाज आ रही सब तक पहुंच रही? हेलो, जी सर, आ रही है। हाँ आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं सर, आ सर, रही आवाज आ रही। आ रही सबको मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब हमारे साथी भी रही हैं डॉक्टर गीता तिवारी जी, जो कि डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका हैं। विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक डॉक्टर पी डी पंत जी, रसायन विज्ञान के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शालिनी जी, रसायन विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर चारू पंत जी, मुझे डॉक्टर हरीश जोशी भी दिखाई दे रहे हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जो है लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। कोविड-19 ने पूरा विश्व को एक तरह से ऐसी महामारी दी है कि सारा विश्व इससे त्रस्त है। 90% छात्र आज जो है विद्यालयों से बाहर है, लेकिन अगर कोई खड़ा है तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL के अगर आप देखें, हम लोग तब से लगातार, बिल्कुल जब से जब कोविड लाया है, हम कोविड के तहत चाहे अपना कोर्स कंटेंट बना रहा हो,
चाहे अपना SLM तैयार करना हो, चाहे अपना PDF तैयार करने हो, चाहे पावर पॉइंट लगाने हो, चाहे किसी भी तरह अनेक प्रकार के वेबिनार हो, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, आपसी इंटरेक्शन हो, हम लोग कुछ। और जो आपका इस समय कोविड में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, देखा जाए तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है प्योर फिजिकल डिस्टेंस है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें छात्र एक कोने हैं और शिक्षक दूसरे कोने। इसी की आगे पांचवी जनरेशन देखें तो उसका नाम ई लर्निंग नाम आ गया है। ये जो है डिस्टेंस लर्निंग का ही पार्ट है, जिसको आजकल लोग सब ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन पे देखा जाए, ये देखा जाए तो डिस्टेंस लर्निंग का ही करता है। इसमें टीचर और लर्नर का अंतर है। टीचर एक कोने है, लर्नर दूसरे कोने है, लेकिन फिर भी सिस्टम चल रहा है। जो क्लासरूम है वर्चुअल क्लासरूम के रूप में बदलते हैं। हमेशा हमारा जो है ये वर्कशॉप, हम लोग क्योंकि कोई बाहर के नहीं है, यही गढ़वालों का माहौल, हम लोगों को बच्चों से इंटरेक्ट करना था। कोई भी शिक्षा तब तक पूरी नहीं जब तक कि आपस में गुरु और शिक्षक का समागम न हो। गुरु और शिक्षक का समागम कैसा हुआ, तो हम लोग आज तक जो है 10 दिन की वर्कशॉप करते आए, लेकिन वर्कशॉप हम नहीं कर पाए। कोविड ने एक तरह से घर पर रहने को मजबूर कर दिया, तो हम लोगों ने इसको इस बार वर्चुअल मोड में वर्कशॉप करना है। और ये वर्चुअल मोड इसको आप देखिए, अब सिस्टम यही चलेगा। जिस डिस्टेंस एजुकेशन का लोग मजाक उड़ाया करते थे, अब वो डिस्टेंस एजुकेशन की हर किसी को जरूरत महसूस हो जाएगी। हमारे पास लोग आते हैं, साहब आप कैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में वर्चुअल मोड में आपका किस तरह से क्लासेस चलेंगी, कैसे हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए ये सिस्टम ऐसा है, अगर आप फेस टू फेस मोड में जाए तो यहाँ पर एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है। यहाँ पर एक विद्यार्थी कई शिक्षक हो सकते हैं, एक शिक्षक कई विद्यार्थी भी हो सकते हैं। ये जो है आपका एक मल्टी मोड एजुकेशन है। आप किसी भी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली, यू कैन इंटरेक्ट इनडायरेक्टली, दोनों तरह सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड दोनों में हम इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। ODL का मतलब ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये डिस्टेंस लर्निंग देखिए, पहले डिस्टेंस में लोग क्या करते थे, दूर कहीं भी चले जाओ, कागज दे दो, किताबें दे दो, डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एजुकेशन के चार फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सेस, एक्सेस टू द एवरीबॉडी, हर किसी को ये होना चाहिए, शिक्षा लेने का अधिकार है। हमारा सर्व शिक्षा अभियान ये कहता है हर किसी को शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अब वो शिक्षा जो है दूरस्थ होने, अब आप जो है हर जगह जा नहीं सकते हैं। फेस टू फेस में आपके पास लिमिटेड मोड है, कितना पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कौन टीचर होगा, क्या टीचर होगा, क्या विषय होंगे, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। जबकि ये यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है ओपन एंड डिस्टेंस विदाउट बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं आपकी। कहीं भी आप अमेरिका वाले से पढ़ सकते हैं, आप MIT के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्वयं के कोर्सेज कर सकते हैं। तो पहला इसमें सबसे पहला सिस्टम है कि हमारी एक्सेस जो है हर किसी के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी जो है आप यहाँ तक कि हम लोग तो यह जो आपका जो जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको भी आप जो एजुकेशन के थ्रू दे सकते हैं। जो घर की महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, अपने एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, एजुकेशन दे सकते हैं। जो ड्रॉपर्स हैं, कई साल उनका रहा आपके यहाँ पर केवल है फेस टू फेस में, 25 साल पूरे हो गए, 30 साल पूरे आप नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आदमी जो है 90 साल की उम्र में हमारे बच्चियाँ दे सकती है। तो यहाँ पर कोई एक्सेस सबके लिए है। इवन आपका थर्ड जेंडर है उनके बारे में कोई बात नहीं करता, हम लोग थर्ड जेंडर के लिए अपने नहीं करते हैं। तो देखा पहला जो एजुकेशन जो एक्सेस था, एक्सेस टू एवरीबॉडी। सेकेंड इज इक्विटी, इक्विटी ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सर्वमान्य हो। हमारा पहले से मोटो रहा है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल बोले कि अपने यहाँ से काम करो लेकिन इंटरनेशनल की बात करो, ये हम लोग इक्विटी में रहे। और आज स्थिति यह है कि 2017 में UGC ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो दो ही मोड काम करेंगे, तो डिस्टेंस मोड ही फेस टू फेस मोड, और बोथ मोड्स आर इक्वल। आज आपकी एजुकेशन में कोई बराबर कोई जो है परसेंटेज नहीं लगा सकता है, ये इक्विटी हमारी है। थर्ड जो फैक्टर आता है क्वालिटी। अब देखिएगा हमारी जो एजुकेशन है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये एजुकेशन है जो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन इनोवेशन। इसमें नए नए तरह के हम इनोवेशन करते हैं, एजुकेशन भी
किस तरह से किताबें भेजें, किताबों का मॉडल क्या हो, हम इसको OER कैसे बना सकते हैं, MOOCs कैसे बना सकते हैं, अपने जो है YouTube के और लेक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नए नए इनोवेशन नहीं देनी चाहिए ना। कर रहा हूँ For word of thanks. बोला नहीं भाई सर ने अभी पूरा नहीं बोला है सर, आप कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए सर आप। हाँ देखो सेकंड फैक्टर था आपका इक्विटी, मैंने कहा थर्ड फैक्टर इज क्वालिटी। सॉरी सर, एजुकेशन किसी की जो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए और क्वालिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की क्लियर रही है। पहले हम चाहते हैं इनोवेशन पे, नए नए इनोवेशन करते हैं, देन वी कम टू टेक्नोलॉजी एंड देन कम टू द क्वालिटी। कि हमारी एजुकेशन पूरी ICT इनेबल्ड है, हमारे यहाँ एडमिशन ICT के आधार पे, हमारे पास रिसर्च मटेरियल ICT के आधार पे, अब तो हम एग्जाम भी ICT के आधार पे ले रहे हैं, हमारी मार्कशीट सब के सब जो है डिजिटल लॉकर में आ गई है, तो हम ICT इनेबल्ड। थर्ड इज द क्वालिटी एंड फोर्थ इज रिलेवेंस, इसकी जो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपको इजिली एक्सेसिबल हो जाए, आप जो है अपने को हर किसी से व्यक्त कर सकें, इंट्रेक्शन किस तरह से हो जाए और आपके कार्य को हर कोई पहचाने, ये आपका जो है डिलेमेंट। और लास्ट में एक आता आपका इंक्लूजन, कि इंक्लूजन तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों एजुकेशन को जो कि एक दूसरे के बीच में हमारा जो है गैप ना हो, हमें जो है इसको फेस टू फेस में लड़ना पड़ेगा। अब फेस टू फेस में हम जो है जा तो सकते नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, क्लास रूम हैज बीन रिप्लेस बाय वर्चुअल क्लास रूम, लैब हैज बीन रिप्लेस बाय सिमुलेशन टेक्निक्स, इसी तरह से आपकी टेक्निक्स दिन पर दिन चेंज हो सकती है। तो इस बार हमने क्या किया कि हम लोगों ने बच्चों से इंस्ट्रक्टर होने के लिए, बच्चे तो नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ लर्नर्स होता है, हम लोग विद्यार्थी नहीं कहा करते, हम शिक्षार्थी कहते हैं, शिक्षार्थियों से इंट्रेक्शन कैसा हो, तो हमने वर्चुअल मोड के थ्रू किया। तो वर्चुअल मोड के द्वारा, और इसमें आप देखेंगे मोड इतना सफल है, अगले साल से हम लोग धीरे धीरे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट भी आ जाएंगे कि कम से कम हमें जो है कॉलेज निर्भर नहीं करना पड़े। अगले साल से हम असाइनमेंट भी हम ऑनलाइन कर देंगे, अपने घर में एग्जाम अपने मोबाइल से एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए एंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी। तो हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है आपके पास अच्छे से टीचर्स हैं, अच्छे से लोग आप ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा आपका मटेरियल, टीचिंग मटेरियल आपके यहाँ पहुँच चुका है, SLM जिसको हम बोलते हैं, SLM आपके यहाँ पहुँच चुके हैं, पावर पॉइंट भी हमने जो है अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, कई तरह के ई लर्निंग पोर्टल है, उसमें आपके लेक्चर भी हैं, सब कुछ देखिएगा, सबसे जाएगा, इंटरेक्शन करिएगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कराइए चाहे वैसे कराइए, तो कई तरह से आप मल्टी मोड इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन केवल ये आप लोगों से, सब बच्चों से ये अपना ध्यान रखिएगा, देखो ये आपको अच्छा मौका मिल रहा है, घर बैठे आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, और घर बैठे पढ़ाई करने का गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लेने का पढ़ाई करने का मौका, आपको इंट्रेक्शन करने का मौका मिला है। तो ये जो COVID-19 है इसने हमें भले बहुत कुछ नुकसान किया हो, लेकिन हमें शिक्षा के नए नए आयाम दिए हैं, और हम लोग कोरोना वॉरियर की तरफ जो है एक तरह से अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। तो अधिक न कह करके मैं आप लोगों के जो है अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, और शिक्षकों सबसे कहता हूँ अच्छी तरह इंट्रेक्शन कीजिएगा, अपना कार्य अधिक न कहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ब्लेसिंग प्रेजेंस एंड वर्ड्स। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर चारुपन फॉर वोट ऑफ थैंक्स। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही? ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर OPS नेगी सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंस प्रोफेसर PD पंत, our chief guest in this session, Dr. Geeta Tiwari,
all faculty members of School of Sciences and Earth Sciences, all RDs, ARDs, and all participants in this session. It is my privilege to have been asked to purpose a vote of thanks in this occasion. First of all, I, on behalf of Uttarakhand Open University, extend a very hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor, who blessed us with their presence and took out valuable time of your busy schedule. I would like to extend my special thanks to Dr. Geeta Tiwari, chief guest today's session, for their kind words and valuable time with us. I also wish to express my gratitude to our director, Professor P. Pant, for their constant support and blessings and guidance. I am very grateful to our colleague, Dr. Shalini Singh, for giving us an opportunity to organize these events. Last but not least, I would like to special thanks to our faculty members of School of Sciences, all RDs, ARDs, and IT team for technical support. And finally, I would like to thank all the participants for their active participation, and I hope this workshop really beneficial for all learners. Thank you very much. अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर शालिनी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे के कार्यक्रम को पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन करें। डॉक्टर शालिनी, ठीक है, सबको नमस्कार, फिर आप लोग करिएगा, हैं? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, आई एम लीविंग। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर। डॉक्टर शालिनी, प्लीज। अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ रखेंगे और वो कोई भी स्लाइड प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब हमारे टुडेज स्पीकर डॉक्टर गीता तिवारी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, आपको उसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, हाँ मैडम, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है मैडम, आप शुरू करिए मैडम। इसी में तो आज जो है वो जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा, और वो है बैकग्राउंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमें थोड़ा सा सीएफटी की जानकारी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला जो आपको यहाँ ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, 5d ऑर्बिटल होते हैं मेटल्स में, और मेटल्स में जो 5d ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहला ऑर्बिटल आपको दिख रहा है dz² और दूसरा जो ऑर्बिटल दिख रहा है वो है dx² y²। तो आप ये देख सकते हैं कि इस दोनों ऑर्बिटल्स में आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सेस दिखाए हुए हैं, जेड एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस। तो ये जो लोब्स हैं दे आर अलोंग द एक्सेस। अगर आप ऊपर के दो ऑर्बिटल्स को देखें तो यहाँ पर जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सेस है, जेड से होता हुआ जा रहा है जो आपको दिख रहा है ऑर्बिटल, और एक्स और वाई से होता हुआ ऑर्बिटल अगर जा रहा है उसके लोब्स तो वो dx² y² है। अगर आप नीचे तीन ऑर्बिटल्स देखेंगे तो वो है dxy dxz एंड dyz। ये तीन ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो ये तीन ऑर्बिटल एक से हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दी लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सेस। अगर आप देखेंगे रेड लोब को तो वो एक्स और वाई के बीच में, दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो जो है वो एक्स और जेड एक्सेस के बीच में है, और जो तीसरे लोब्स हैं वो आप देखेंगे दे आर इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सेस। सो ये तीन तरीके से हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं डी ऑर्बिटल को। और आप जानते हैं कि वैसे जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, और ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, 5d generate ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो तो आप ये देखेंगे जो लेफ्ट साइड पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं देयर आर सिक्स लिगेंड्स L1 L6, और ये 6 के 6 ऑर्नर्स पर, और मेटल कैटायन को आप देख सकते हैं सेंटर में, मैंने M+ दिखाया
हैं, नीले रंग के जो आपको ब्लू कलर के लिगेंड्स हैं, मैंने आपको लिगेंड दिखाए हुए हैं। और लिगेंड क्या होते हैं आप जानते होंगे कि लिगेंड्स आर आइदर एनायनिक स्पीसीज, या तो वो एनायंस होते हैं मैक्सिमम, या फिर दे आर डाइपोलर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है जैसे H3 है या H2O है वो डाइपोलर है, और डाइपोलर में क्या होता है कि उनका नेगेटिव पोल मेटल की ओर आपने देखा और जो पॉजिटिव पोल है वो मेटल से दूर है। तो आप ये देख सकते हैं इसका मतलब है कि जो लिगेंड का नेगेटिव पोल है वो मेटल के पॉजिटिव होने की वजह से उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। और इस अट्रैक्शन के बाद क्या होगा, पहले तो अट्रैक्शन होगा, उसके बाद जैसे ही लिगेंड मेटल के पास होगा वैसे ही लिगेंड भी माइनस है और जो मेटल है उस पर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, डी ऑर्बिटल में। तो जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड का नेगेटिव पोल है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होगा। और ड्यू टू दैट रिपल्शन, जहां पर भी रिपल्शन होगा वहां पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि पहले अट्रैक्शन, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और जो राइट साइड में जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चार्ज होंगे और चारों लिगेंड मैंने आपको डाइपोलर की फॉर्म में दिखाए हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो डाइपोलर का जो नेगेटिव एंड है वो कहाँ है, मेटल की ओर है। तो पहले क्या होगा, अट्रैक्शन। तो पहले अट्रैक्शन है, उसके बाद जब ये लिगेंड्स का नेगेटिव पोल मेटल की ओर अट्रैक्ट होगा देन देयर विल बी रिपल्शन इन बिटवीन द नेगेटिव पोल ऑफ द लिगेंड एंड मेटल्स डी इलेक्ट्रॉन। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। अब किसकी एनर्जी बढ़ेगी, अब आप देखिए जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल में, आप देखिए अगर मैं L4 लिगेंड की बात करूं राइट हैंड साइड पर जो L4 लिगेंड है ऊपर आप देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि ये लिगेंड Y डायरेक्शन में से आ रहा है, जो L3 लिगेंड है वो X डायरेक्शन से आ रहा है, जो 6 लिगेंड है वो Z। आवाज, हेलो, आवाज आ रही चारू जी? हाँ हो गई। जो जो आप देख सकते हैं, हाँ ठीक, जो लिगेंड से हैं दे आर इन द एक्सिस, दे आर पासिंग ओवर द एक्सिस। तो आपने इससे पहले ने आपको दिखाया, देखिए आपको मैंने दिखाया जो दो ऊपर के ऑर्बिटल्स हैं dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या है, ये अलोंग द एक्सिस, एक्सिस से होते हुए जाते हैं। और जो नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं dxy एंड dzx एंड dyz वो आप देखेंगे इन बिटवीन द एक्सिस। तो अब आप देखिए जो जो लोब्स जो ऑर्बिटल्स दे आर इन द पाथ ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड के पाथ में होंगे उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि जो L लिगेंड है वो Y एक्सिस से होता हुआ जा रहा है, तो उस एक्सिस में जो ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा रिपेल होगा, जो जो ऑर्बिटल Z एक्सिस में होगा वो ज्यादा रिपेल होगा, जो ऑर्बिटल L जो X एक्सिस में होगा वो ज्यादा रिपेल होगा। इसलिए अब आप देखेंगे जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो पहले आप देखेंगे लेफ्ट पे दीज आर द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, ये किसके डी ऑर्बिटल है, पांच डी ऑर्बिटल है, पांचों के तो ये पांच जो ऑर्बिटल है लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं इनकी पांचों की एनर्जी बराबर है। फिर जैसे ही लिगेंड छह लिगेंड आएंगे फ्रॉम सिक्स पोजीशंस फ्रॉम थ्री डायरेक्शंस फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड, देखेंगे आप उनकी एनर्जी बढ़ गई पांचों की। अगर वो पांच छह के छह लिगेंड एक साथ स्फेरिकली अगर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि चार लिगेंड तो प्लेन में प्रेजेंट है एंड टू लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द एक्सिस, दो लिगेंड कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सिस पर ऊपर और नीचे, तो वो कौन से ऑर्बिटल है, वो डी जेड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी बढ़ गई और जो तीन ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो कहां पर थे, जो एक्सेस से होते हुए जो ऑर्बिटल जा रहे थे वो कौन से थे, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर। इस वजह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि इनका रिपल्शन ज्यादा हुआ और जो dxy dyz dzx थे उनका क्या हुआ, जो एनर्जी था वो कम हो गया। तो ओवरऑल हम कहेंगे, सिर्फ मुझे आपको ये बताना है एक्चुअली कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। उनकी स्प्लिटिंग होती है T2G की एनर्जी कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं T2G सेट, जो DXY है DYZ है DX है। क्यों कहते हैं T फॉर ट्रिपल, ट्रिपली तीन ऑर्बिटल है, देखिए ट्रिपल ऑर्बिटल है, तीन ऑर्बिटल है,
इसलिए मैं टी कहा, और टू जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड है, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमको जी हमने कहा जी इज फॉर जी रेट। अब हम फिर से ऑर्बिटल्स में फर्स्ट से हम इसको ऑर्बिटल्स में आते हैं। आप देखिए जी रेट मीन्स दी ऑर्बिटल्स आर हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखेंगे अगर हम इसके जो डी ऑर्बिटल है उसके लोब से आप देखिए, आप जाइए रेड से रेड और आप जाएंगे और आप व्हाइट से व्हाइट की ओर जाएंगे। वेव साइंस चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है ऐसे ऑर्बिटल। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको खाली कंटेंट देखना है, आपको अपने चेहरा नहीं दिखाना है। अगर कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में लिखिए, आप उसको चारूपन जी यहाँ डायरेक्ट करेंगे स्पीकर को, वो आपकी क्वेरी के आंसर देंगे। आप अपना ऑडियो वीडियो ऑफ रखें, तभी आपको अच्छी आवाज आएगी, अच्छी तरह से स्लाइड समझ में आएंगी। प्लीज और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ सर, कि जितने भी पार्टिसिपेंट है इनकी जो क्वेरीज है उनको हम चैट बॉक्स से ले रहे हैं और इनको ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है उसमें हम शेयर करेंगे, और लास्ट में हम एक्सपर्ट से 10 मिनट का टाइम लेंगे, 10-20 मिनट का, फिर इनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे एंड ऑफ दी सेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन पूछने हो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैडम, आप स्टार्ट करूं? हाँ मैडम, आप कंटिन्यू करिए। चारू जी, जी जी करिए, आप स्टार्ट करिए मैडम प्लीज। हाँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मुझे आपको ओवरऑल ये ओवरऑल आपको मुझे ये बताना है कि आप कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप देख सकते हैं जो तीन ऑर्बिटल जो कि एक्सेस के बीच में थे उनकी एनर्जी कम हो गई, और जो एक्सेस में थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्सेस थी वाई वहां से लिगेंड आ रहा था, जेड एक्सेस थी वहां से लिगेंड आ रहा था, एक्सेस थी वहां से लिगेंड आ रहा था, इसलिए उस डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे अधिक होगा, इसको उनकी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। सो ई जी मीन ई फॉर डब्ल्यू डी जनरेट। आप देख रहे हैं जो ऊपर ऑर्बिटल है वो दो है, इसलिए उसको हमने ई कहा, ई फॉर डब्ल्यू डी जनरेट एंड टी फॉर ट्रिपल डी जनरेट। और एक टर्म और आता है, अभी आप देखेंगे ए, एक टर्म और है ए, ए मीन सिंगली डी जनरेट। जहां पर केवल एक ऑर्बिटल आप देखेंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, जहां पर तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर होगी उनको हम कहेंगे ट्रिपली डीजनरेट, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिनकी एनर्जी बराबर होगी अगर वो दो ऑर्बिटल है तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखेंगे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जस्ट अपोजिट होती है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ई जो है वो सेट नीचे आ जाता है और जो टी टू है वो ऊपर चला जाता है। क्यों जाता है देखिए, फिर से मैं आपको ज्योमेट्री दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिगेंड है वो एक्सेस के बीच में से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जेड और एक्स के बीच में से लिगेंड आ रहा है। फिर आप देखेंगे जो एल थ्री लिगेंड है वो एक्स और वाई के बीच में से आ रहा है। फिर आप देखेंगे जो एल टू लिगेंड है वो वाई और जेड के बीच में से आ रहा है, यानी जो बीच में जो ऑर्बिटल होंगे उनका रिपल्शन ज्यादा होगा, यानी वो कौन से ऑर्बिटल है, दे आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, तो उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। सो दैट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो 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 टी टू सेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो ई सेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। एक्चुअली हम अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जानकारी जरूरी है। बस आप ये याद रखिए कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो टी टू जी है उसकी एनर्जी कम होगी, और जो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ई की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। अब हम आते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आईआर, आपने पढ़ा है, आपने एनएमआर पढ़ा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूरी है फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिशन, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं आईआर, जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। हम पढ़ते हैं एनएमआर, व्हाट कार्बन्स आर देयर, कितने तरीके के उसमें हाइड्रोजन है, वो हम पढ़ते हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इससे कि हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। एक्चुअली हमें ये जानकारी मिलेगी उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और उसका कलर क्यों है। यहाँ पर जो मेन इम्फेसिस है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट्स अबाउट द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस।
क्या फायदा है, क्योंकि जब हम कोई नया कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे तो हम उसको कहाँ पर यूज करें, वो कहाँ पर हमें उसको, हम फिजिक्स यूज करना है क्या, उसको हमें कंडक्टर की तरह यूज, इंसुलेटर की तरह यूज करना है, हम तरीके से उसको यूज करना है, उसका कलर नीला क्यों है, तो ये हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स, अब आप देखिए इतनी कम एनर्जी हम दे रहे हैं कि केवल न्यूक्लियर स्पिन चेंज होती है, दैट इज ओके, देन आईआर में इतना एनर्जी देते हैं लेवल चेंज होते हैं, और अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड देन दे कम बैक एंड दस दे एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसका मतलब हमें वो क्या दिखाएगा, कलर्ड दिखाई देगा। तो हम इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो, और उस ट्रांसफर के बाद वो अपनी, क्योंकि बिकॉज जो तो इलेक्ट्रॉन वो 10^-8 सेकेंड तक वहां पर रह सकता है वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे, देन वो वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे। तो जो ग्राउंड स्टेट पे जब वो आएगा तो वो कुछ एमिट करेगा, वो एमिट जो करेगा, वो एमिट जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एमिशन को हम रीड कर सकते हैं कि कलर इसका क्यों है, बिकॉज इट गिव्स दी कलर, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड शो करता है। तो ये जनरल आइडिया है कि क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़े। अब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैंने आपसे कहा कि दो चीज, एक है ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। तो हमें सबसे पहले ये जानकारी कि ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट विल द एक्साइटेड स्टेट, तो ये दो चीजें जब हमें पता चली तब हम इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ पाएंगे। तो हम आपको ये जो स्टेप्स बता रही हूँ, सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट टर्म, एंड फॉर दैट यू हैव टू नो सम क्वांटम नंबर्स। उसके लिए आपको क्या जानने होंगे, क्वांटम नंबर्स जानने होंगे। क्वांटम नंबर आपने पढ़े हैं पहले, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है, आपने एजी मिथल पढ़ा है, स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट शेल, शेल की एनर्जी के बारे में आइडिया दिया है, एजीमुथल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एल से दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है एन के बराबर, अगर एन इज इक्वल टू वन तो एल की वैल्यू होती है जीरो, अगर अगर एन दो होती है इसकी वैल्यू, तो एल की वैल्यू एक होती है, एक दो वैल्यू होती है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल और एस, ये तीन क्वांटम नंबर हम इसको पढ़ेंगे बार बार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये प्लस एल से माइनस एल तक होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ एल इज इक्वल टू वन देन एम विल हैव प्लस वन जीरो एंड माइनस वन, अगर एल की वैल्यू टू है तो एम कितना होगा प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, तो ये वैल्यू होगी। देन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आप जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर है, यह प्लस तक होगा आपको मैंने दिखाया एम एल, एम एल ये स्मॉल है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख रहे थे, आप आइए जिसको मैंने कैपिटल एम फिर सिग्मा दिखाया as total orbital number and x, आप आइए एम एल टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, एक आप एक और नया क्वांटम नंबर जे इज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। इफ वी एड देखिए कैपिटल एल और कैपिटल एस, कैपिटल एल और एस अगर जोड़ देंगे तो हमें एक नया क्वांटम नंबर मिलेगा, वो होगा जे। मैं आपको अभी बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी पहले इंपोर्टेंस देखते हैं। देखिए जो कैपिटल एल है, जो कैपिटल एल है, जैसे आपने स्मॉल एल पढ़ा, स्मॉल एल क्या बताता है अबाउट स्मॉल एस, आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है कि अगर एल इज इक्वल टू होगा तो ऑर्बिटल कौन सा होगा एस, अगर एल इज इक्वल टू वन होगा तो ऑर्बिटल कौन सा होगा पी, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर जो कैपिटल एल है वो क्या बताएगा, इट इज अबाउट द एटॉमिक स्टेट, ये बताएगा एनर्जी लेवल के बारे में, ये कौन सी एनर्जी ले आएगा एस पी डी एफ, देखिए कैपिटल लेटर
यहाँ पर बिल्कुल अंतर आपको देखना है. एक होता है स्मॉल 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 डी स्मॉल, जो स्मॉल लेटर से हम दिखाते हैं वो ऑर्डर्स का रिप्रेजेंटेशन, और कैपिटल लेटर से दिखाते हैं वो है स्टेट्स मींस एनर्जी लेवल. तो यहाँ पर अगर कैपिटल एल जीरो होगा तो स्टेट कौन सी होगी, कैपिटल एस. अगर एल इक्वल आएगा तो स्टेट कौन सी होगी, कैपिटल पी. कम एस कैपिटल एस देखिए, कैपिटल एस का बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो क्या करता है, वो बताता है अबाउट मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी के बारे में आएगा. मल्टीप्लिसिटी मीन्स कितना उसका क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है या वो सिंगलेट स्टेट है या वो डबलेट स्टेट है, उस स्टेट की जो एनर्जी लेवल है उसकी क्या है, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी. आप अभी क्लियर होता जाएगा आपको. आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कैपिटल एल, कैपिटल एस एंड कैपिटल जे. कैपिटल ए क्या बता रहा है, अबाउट एनर्जी लेवल, कैपिटल से दिखाएंगे सब हम. और एस क्या बता रहा है, कैपिटल एस इज अबाउट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई 2s+1. ये किस रिपीट करेंगे, 2s+1. और तीसरा क्वांटम नंबर मैंने आपसे कहा जे, आपको याद रखना है. ओके, नाउ हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे जनरेट होती है. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, इन सब शेल, इन सब शेल. इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट शेल में कैसे है, सब शेल में कैसे है, और सब शेल सब सब शेल में कैसे. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक, अब आपको बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप देखेंगे कि वो कैसे स्टेट में टूट जाता है. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा इट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट. क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा, देयर आर टू काइंड ऑफ परटर्बेशन. दो तरीके के परटर्बेशन होंगे. नंबर वन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो सकते हैं, अनपेयर्ड हो सकते हैं. तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते रहते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में टूट जाएगा, टर्म्स में. और किस में टूटेगा, एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा. देन दूसरे तरीके का जो परटर्बेशन है, बहुत स्पेसिफिक परटर्बेशन है, दैट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. स्पिन कपलिंग क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देखेंगे उसकी वजह क्या होगा, एल और एस, जो कैपिटल एल था और जो कैपिटल एस था उनकी कपलिंग हो, और उनकी कपलिंग वजह से क्या होगा, फर जो एनर्जी स्टेट्स हैं दे फर्दर स्प्लिट इनटू अदर स्टेट्स, कुछ दूसरे स्टेट्स में वो कन्वर्ट होगी. और इसके में स्प्लिट होती हैं ड्यू टू लिगेंड इफेक्ट. फिर आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे. और फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्प्लिट होता है, फाइनली आप लास्ट लाइन देखिए, एनर्जी लेवल फाइनल जो वो स्प्लिट होता है वो होती है नॉन डीजेनरेट स्टेट, नॉन रिड्यूसेबल, वो रिड्यूस नहीं की जा सकती. सबसे छोटी जो एनर्जी की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो है माइक्रो स्टेट. माइक्रो स्टेट से ऊपर क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन माइक्रो स्टेट्स को हम रिड्यूस नहीं कर सकते. अभी आपको सब आ जाएगा कैसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आप इसको मैं आपको देखिए, जैसे ये मैंने आपको बताया है माइक्रो स्टेट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो भी आप देखेंगे. पहले मैं नाम आपको निकाल लेता हूँ, ये स्लाइड में आपको बात दिखाऊंगी. अब आप देखिए माइक्रो स्टेट्स किन्हें कहते हैं, पहले हम वहां पर आ रहे हैं. माइक्रो स्टेट्स जो कि इररिड्यूसिबल टर्म्स हैं, जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनको हम सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ ms एंड ml वैल्यूज. ये एक्चुअली क्या है, ms एंड ml वैल्यूज की स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं. और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, n इज इक्वल टू r फैक्टोरियल अपॉन j फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. क्या है, देखिए i क्या है, i इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल.
and j is the number of electrons present in an orbital. So I have given you an example, p1 configuration. Dekhiye p1, p mein kitne maximum electrons aa sakte hain? 6. To i kitna hai? 6. Aur p mein electron kitne hain? Dekhiye p1 configuration hai, electron kitne? 1. To j kya ho gaya? 1. तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइक्रोस्टेट्स कितनी आ जाएंगी? 6 माइक्रोस्टेट्स. अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब है 6 का फैक्टोरियल अगर हम कहेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. अगर आप 5 का फैक्टोरियल कहेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का फैक्टोरियल. तो दिस इज द फैक्टोरियल. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. ये वो एनर्जी लेवल है जो सबसे नीचे का लेवल है, इससे कम इससे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स फिर नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल P2 कॉन्फ़िगरेशन के आप देख सकते हैं देयर आर 15 माइक्रोस्टेट्स. अब देखिए टेबल मैंने आपको दिया, आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल D1 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि D1 कॉन्फ़िगरेशन D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10. सो R इज इक्वल टू 10 एंड 1 इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 1. J is equal to 1, so it becomes 10 microstates. तो कितनी microstates possible है D1 configuration की? 10 possible है. ऐसे यहाँ हर एक configuration की microstates calculate कर सकते हैं. You will find that जैसे जैसे number of unpaired electron बढ़ेगा, number of microstates will also increase. आप ये पाएंगे कि number of microstates मतलब actually क्या है कि हम उन electrons को कितनी तरीके से arrange कर सकते हैं. अब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 252 तरीके हैं जिससे हम उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं. सो 252 इज द माइक्रोस्टेट फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो नाउ कम टू द रसल सांड्रस कपलिंग. दिस लेस, और ये जो रसल सांड्रस कपलिंग है इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट टर्म. जो मैं आपसे कह रही थी कि हमें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हमें चाहिए दो लेवल, एक चाहिए ग्राउंड स्टेट और दूसरा चाहिए एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ ये जो रसल सांड्रस कपलिंग है ये इंपॉर्टेंट कपलिंग है, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से? किसी भी ग्राउंड स्टेट, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की हम क्या निकाल सकते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए इसमें मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू लर्न ओनली 2 क्वांटम नंबर्स एंड दीज क्वांटम नंबर्स आर एल एंड एस, कैपिटल एल एंड कैपिटल एस. ओके, और तीसरा जो मैंने आपसे क्वांटम नंबर कहा दैट इज जे. ये तीन आपको याद रखने हैं. और सबसे नीचे आ जाइए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी टर्म को हम कैसे दिखाते हैं. हम दिखाते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट में मैंने लिखा है 2s+1 और L, देन J. J कहाँ लिखा है मैंने? सब स्क्रिप्ट में. तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है 2s+1, मतलब यहाँ पर क्या आनी है? मल्टीप्लिसिटी. L तीन आपसे मैंने कहा, तीन क्वांटम नंबर, कैपिटल S, कैपिटल L एंड कैपिटल J. ये तीन क्वांटम नंबर अगर आपको पता होंगे then you can easily calculate the ground state term. और ये जो लास्ट में जो लिखा है मैंने, ये तरीका है कि किसी भी स्टेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. अब इस कैलकुलेट करना मैं आपको बता रही हूँ. देखिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है, क्या है? देखिए मोबाइल से प्रेजेंटेशन हो रहा है. आप ये देखिए पी ऑर्बिटल मैंने आपको लिया है एक. ये पी ऑर्बिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इट इज P2 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, दिस इज P2 कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो +1 +1 है ये कहाँ पर है? देखिए जहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन है. आपको पता है कि p ऑर्बिटल की जो m वैल्यू है वो क्या होती है? 3 होती है. एक होती है +1, 0 एंड -1. तो जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ है उसकी m वैल्यू क्या है? +1 +1, दोनों इसके ऊपर है. जो मिडिल वाला है उसकी जो l वैल्यू है वो क्या है? वो ml वैल्यू क्या है? 0 0. और जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उस ऑर्बिटल का एड्रेस क्या है? -1 -1. तो अब आप देखिए इस 2 इलेक्ट्रॉन की हम S कैसे निकालेंगे और L कैसे निकालेंगे. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अपसाइड है, दोनों की स्पिन क्या है? +1/2. तो अगर दोनों की स्पिन +1/2 है तो आप देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल S इज इक्वल टू +1/2 +1/2, सो इट इज इक्वल टू 1. टोटल स्पिन कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड है, दोनों की स्पिन ऊपर है. इसकी कैपिटल, इसकी जो स्पिन है टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1.
तो कैपिटल एस कितनी आ गई, 1। तो हम क्या करेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन की स्मॉल एस को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी, कैपिटल एस। ओके, तो व्हेन वी गॉट द कैपिटल एस देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द मल्टीप्लिसिटी। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितनी आ गई देखिए, 2s + 1 = 3। अब मल्टीप्लिसिटी कितनी मिल गई हमें, 3। ओके, नाउ जे वैल्यू, नाउ कम टू द एल वैल्यू। एल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा पहला 100 इलेक्ट्रॉन है उसका जो एड्रेस है वो +1 है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या है, 0, +1 0 -1। ओके, -1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी एल वैल्यू कितनी है, +1, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी एल वैल्यू है 0। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की स्मॉल एल को जोड़ दीजिए, दोनों की स्मॉल एल कितनी, एक की +1 है दूसरे की 0 है, तो टोटल एल कितनी आ गई, 1। ओके, सो आप पहली लाइन देखिए, जो एल है वो कितनी आ गई, 1, और जो एस है वो कितनी आ गई, 1। देखिए आपको एल मिल गई, जब आपको L मिल गई है तो क्या क्या है, आपको मिल गया इफ L इज इक्वल टू 1 देन L इज इक्वल टू 0 तो S स्टेट, अगर L इज इक्वल टू 1 तो P स्टेट, अगर L इज इक्वल टू 2 देन D, L इज इक्वल टू 3 देन F स्टेट। ओके, सो L इज इक्वल टू 1 तो स्टेट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P। लास्ट में आप देख लिखा है 3P2 3P1 एंड 3P0, आप देख सकते हैं, यानी कैपिटल पी इज द टर्म, वो क्या आ गई, टर्म आ गई, क्योंकि एल क्या है, 1 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्मॉल एल, स्मॉल एल अगर 0 होगा तो एस ऑर्बिटल होगा, ऐसे ही अगर कैपिटल एल 0 होगा तो एस स्टेट होगी, अगर स्मॉल एल 1 होता है तो पी ऑर्बिटल होता है, अगर कैपिटल एल 1 होता है तो वो क्या होता है, पी स्टेट है। तो आप देखिए नीचे पी स्टेट लिखी हुई है, ओके, 3 लिखा है कि ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिसिटी जो हमने एस से कैलकुलेट की है। अब आ जाइए जे वैल्यूज में, जे वैल्यू मैंने आपसे कहा था जे वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में जे वैल्यू होती है L+S L+S-1 L+S-2 F2 F। जो जे की वैल्यू होती है वो कैसे आती है, जब हम एल और एस को जोड़ते हैं, तो L S आया हमारा, देखिए S कितना है, 1, L कितना है, 1, तो L कितनी हो जाएगी, L+S यानी 2, 1+1 = 2, L+S- यानी 2 कितनी आ जाएगी, 2-1 = 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये वैल्यू भी अभी आप देखेंगे, हम एक रूल पढ़ेंगे अभी आएंगे कि J की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर J की 3 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, तो अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, 3, जे की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी। ओके, तो इसलिए देखिए 3 स्टेट पॉसिबल है, एक है 3p2, एक पॉसिबल है 3p1, और तीसरी जो स्टेट पॉसिबल है वो है 3p0, तो 3 स्टेट पॉसिबल है, हम देखेंगे इसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी। आई थिंक यू गॉट इट, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की केवल ग्राउंड स्टेट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LS कपलिंग और रसल सैंडर्स कपलिंग। अब इसमें आप देखेंगे देयर इज वन रूल दैट इज होम्स रूल। अब यहाँ पर होम्स का रूल लागू होगा कि ये जो 3 स्टेट, लास्ट में आप देखिए 3 स्टेट्स आर पॉसिबल, 3p2 3p1 एंड 3p0, इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी, इसके लिए हुंड रूल अप्लाई हुई। ओके, नाउ हुंड रूल इज टर्म जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगी वो होगी ग्राउंड स्टेट होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा मतलब, हेलो एमएस नेगी आवाज आ रही है जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज मैम एक सॉरी फॉर दैट। एमएस नेगी प्लीज आपकी स्क्रीन बंद करिए आप, एमएस नेगी प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर मत करिए प्लीज, ये पूरा डिस्टरबेंस हो रहा ना, दिख रही है चारू जी। मैम आप कंटिन्यू करिए, आप स्लाइड पे जाइए, स्लाइड को दिखाइए, स्लाइड पे जाइए मैम प्लीज, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपकी, बट स्लाइड, अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, हाँ नहीं दिख रही मैम प्लीज। एमएस नेगी प्लीज, एमएस नेगी प्रेजेंटेशन बंद करिए प्लीज जी मैम, प्रेजेंटिंग अब दिख रही है, ओके 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 कंटिन्यू मैम, यस मैम कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके ओके जी मैम प्लीज, ओके
Now you can continue. First rule is that highest अगर spin multiplicity तो आप देख सकते हैं कि maximum number of unpaired electron होंगे. S जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, multiplicity होगी. इसका मतलब जितने ज्यादा unpaired electron होंगे वो क्या होगी, उसकी ground state term होगी. दूसरा जो Hund rule है वो है कि अगर दो terms की spin multiplicity बराबर हो, अगर आपसे कहा जाए कि एक term है 3p और दूसरी टर्म है 1p, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, 3p. पहला रूल है जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी. तो अगर एक 3p और एक 1p टर्म होगी तो 3p विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म. अब सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल में है कि अगर दो टर्म है जिनकी मल्टीप्लिसिटी बराबर है तो उनमें से वो ग्राउंड स्टेट होगी जिसकी एल क्या होगी, अधिक होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो में एक है 3p एंड एक है 3f, दोनों की मल्टीप्लिसिटी बराबर है तो कौन ग्राउंड स्टेट होगी, 3f, क्योंकि उसकी l क्या है, अधिक है. तो ये जानना बहुत जरूरी है, Hund rule को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टर्म जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, कौन सी टर्म जिसकी l ज्यादा होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी. और अब ये हम देखेंगे कि जे वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. जे वैल्यू थर्ड वाला रूल आप देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल है या लेस हाफ फिल है. फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन देखते पहले मैं आपको जो कॉन्फ़िगरेशन था वो है P2 कॉन्फ़िगरेशन. P2 इज लेस देन हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड कितना होता, P3, तो P3 से कम है. तो यहाँ जो जे वैल्यू है वो कौन सी लेनी होगी, जो सबसे कम होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म होगी. अगर कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो फिर जे की वैल्यू क्या लेनी होगी, अधिक लेनी होगी. फॉर एग्जांपल देखिए लास्ट लाइन आप देखिए, 3p2 3p1 3p0, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, 3p0. क्यों होगी, बिकॉज इट इज लेस देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर वो कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, जिसकी जे वैल्यू सबसे कम होगी, किसकी है, 3p0 की. इसलिए इसमें तीनों में अगर हमसे कोई भी पूछे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है, 3p0, तो आपको क्या याद रखने हैं, Hund rule याद रखने हैं. ओके, तो इसलिए मैंने आपको दिया है कि इसलिए जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी क्या होगी, 3p0. अब ये देखिए कुछ कैलकुलेशंस करी हुई हैं आपके लिए. एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशंस हैं वो लैपटॉप के हिसाब से भी थी. आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ P3 कॉन्फ़िगरेशन. आप थर्ड नंबर पर जाइए जहां आप देखेंगे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, थ्री, ये सब खिसक गया है लैपटॉप के हिसाब से. तो आप थर्ड नंबर का जो फोर्थ कॉलम देखिए, वैल्यू ऑफ एल, और वहां पर आप देखिए तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे. तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, मतलब एक की स्पिन हाफ है, दूसरे की हाफ है, तीसरे की प्लस हाफ है, तो टोटल कितनी हो गई, 3/2. तो आप ये दूसरे कॉलम में एस की वैल्यू देख सकते हैं, 3/2, और 3/2 अगर होगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 4, 2s+1, सो इट बिकम्स 4. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ जे क्या होगी, एल क्या होगी, देखिए आप सब ऊपर देखिए, मैंने जो फोर्थ कॉलम है जहां पर वैल्यू ऑफ लिखा है वहां पर अगेन आई हैव रिटन +1 +1 0 0 +1 -1. तो अगर आप थर्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखें जिसमें तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों की स्पिन साइड है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये तीनों एक प्लस वन में है एक इलेक्ट्रॉन, एक जीरो में है, एक माइनस वन में. तो L कितनी हो जाएगी, 0. तो इसकी L कितनी है, 0. L 0 है और S कितनी है, 3/2. तो इसलिए J वैल्यू क्या पॉसिबल होंगी, वैल्यू ऑफ J क्या पॉसिबल होंगी, 3/2. तो पॉसिबल टर्म क्या होंगी, देखिए L इज इक्वल टू 0 तो टर्म क्या होगी, कैपिटल S. L इज इक्वल टू 0 तो टर्म क्या होगी, S. अब आप आ जाइए सेकंड लास्ट कॉलम, पॉसिबल टर्म्स क्या होंगी, 4 3/2 एंड 4 1/2. तो इन दोनों में से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, 4s half. क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, हाफ फील्ड है. अगर हाफ फील्ड है तो वो जे वैल्यू लेंगे जिसकी जे क्या होगी, कम होगी. वहीं अगर हम देखें, अब इसमें कंप्लीट टेबल नहीं आ पा रही है, अगर आप P4 कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो P4 कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए P4, आप जो अरेंजमेंट है वो चौथे नंबर का अरेंजमेंट देखिए, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो प्लस वन प्लस इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड है, बाकी है अनपेयर्ड. तो आप देख सकते हैं जो पेयर है उनकी स्पिन तो 0 होगी, बचे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
उनकी क्या होगी वन, तो टोटल एस क्या होगी वन, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी तीन। आप देखेंगे कि पी फोर कन्फिगरेशन के केस में भी तीन स्टेट मिलेंगी, जैसे आपको पी टू में मिली थी 3P2, 3P1, 3P0, लेकिन पी टू कन्फिगरेशन के केस में जो ग्राउंड स्टेट इज 3P0, बट इन केस ऑफ पी फोर कन्फिगरेशन द ग्राउंड स्टेट इज 3P2, द टर्म जिसका जे वैल्यू क्या होगा हाइएस्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इट इज मोर देन हाफ फिल। ओके, अब ऐसे ही हम इसकी निकाल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म हम निकाल सकते हैं डी कन्फिग्रेशन की, डी कन्फिग्रेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेबल से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम डी सिक्स कन्फिग्रेशन, देखिए ये तो आप जब कन्फिग्रेशन बनाएंगे तब आपके समझ में आएगा। सबसे ऊपर मैंने आपको कन्फिग्रेशन बना के दिखाया है, पांच ऑर्बिटल बनाए हैं रेड कलर से, जिनके ऊपर मैंने लिया +2, +2, +1, +1, 0, 0, -1, -1 एंड -2, -2। तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी के लगते हैं इफ इट इज डी वन कन्फिग्रेशन, अगर डी वन कन्फिग्रेशन तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा प्लस टू वाले में, प्लस टू यानी एल कितनी हो गई प्लस टू। ओके, फिर एस कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एस कितनी होगी हाफ, एस अगर हाफ होगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा कि जो मल्टीप्लिसिटी, देखिए तीसरा कॉलम देखिए मल्टीप्लिसिटी 2s+1, तो कितनी हो जाएगी 2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म दो पॉसिबल है, 2 एंड 2 by 2, तो कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, वो होगी जिसका जे वैल्यू क्या होगा कम होगा, तो वो क्या हो जाएगी 2d3/2। अब आप देखिए डी सिक्स कन्फिग्रेशन देखिए, तो आप ये देख सकते हैं अगर आप सेकेंड लास्ट कॉलम देखिए पॉसिबल टर्म्स, ये तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी सारी पॉसिबल टर्म्स हैं, देखिए 5d4, 5d3, 5d2, 5d1 एंड 5d0, इनमें से जो टर्म होगी कौन सी होगी 5d4, जिसकी सबसे अधिक जे वैल्यू है, क्यों होगी, क्योंकि ये जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है मोर देन हाफ फिल्ड। ओके, तो ये हम ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हमको तीन, फिर से मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि हमें केवल तीन कन्फिग्रेशन जानने हैं, वो कन्फिग्रेशन है तीन क्वांटम नंबर है कैपिटल एल, कैपिटल एस एंड कैपिटल जे। इन तीनों की हेल्प से इजीली कैलकुलेट दी ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, या तो मेटल आयन की या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स की हम जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ, क्योंकि आपको अंदाजा आ गया है कि हम स्टेट को कैसे दिखाते हैं, स्टेट को हम कैसे दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं कि मल्टीप्लिसिटी रखेंगे, फिर हम रखेंगे एल, देन जे की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ देखिए, जहां पर मैंने 3p टर्म दिखाई है, टर्म को अगर हम देखेंगे वैसे एक्चुअली इट हैज 9 एनर्जी लेवल्स, 3p टर्म, ठीक है, 3p टर्म कहां से, वो आप देख लेंगे टेबल में, ये 3p टर्म होती है, ये 9 एनर्जी टर्म्स होती, कैसे होती है देखिए, 3p 3 कहां से आया है, जो 2s+1 = 3 था, यानी s कितना था, s था 1, ओके, एस वन था, तो 2s+1 कितना था 3, s = 1, इसलिए ये कैसी स्टेट है p, तो 12+1 = कितना था p, तो हम ये कैसे करते हैं टोटल जो टर्म्स हैं कैसे निकालते हैं, अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई कर 2s+1 = 9, तो ये क्या आ जाती है 9 एनर्जी लेवल पर, 3 × 3 = 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे, आपको मैं एक बार बताऊं कि 3 इसकी मल्टीप्लिसिटी है, और अगर p को हम देखेंगे तो p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 3 ऑर्बिटल हैं और 3 मल्टीप्लिसिटी, 3 × 3 = 9, तो 9 क्या है इसकी एनर्जी लेवल पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखिए 3f टर्म लिखा है नीचे, 3f में आप देखिए मल्टीप्लिसिटी इज 3 एंड f टर्म की जो डीजेनरेसी है वो कितनी है 7, कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, तो 7 × 3 = 21, टोटल कितनी एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो सकता है ये 21 में, चाहे आप इसको 2s+1 × 2l+1 से निकालिए, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से कैलकुलेट करिए, टोटल एनर्जी लेवल्स ये जो स्प्लिट होता है वो 21 एनर्जी लेवल्स में, यानी दीज एनर्जी लेवल्स आर एक्चुअली माइक्रो स्टेट्स। ये जो 3f आपको सिंपल से दिख रही है ये कितनी माइक्रो स्टेट में टूट सकती है, 21 एनर्जी लेवल्स में ये टूट सकती है। ओके, सो ये हम ये देखिए, अब आप देखते हैं कि जो एक कन्फिग्रेशन था P1 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें
स्टेट्स में, एनर्जी स्टेट्स में, कुछ एनर्जी लेवल्स में, और ये हमने केवल जो मेथड देखा ये केवल मेथड था किसको कैलकुलेट करने का, ग्राउंड स्टेट टर्म को, ये आता है रसल सैंडर्स कपलिंग। दूसरा एक और मेथड है जिसमें आपको और इजी है, देखिए 3F टर्म की 21 स्टेट्स कैसे होती हैं। देखिए 3F, 3 कैसे आया होगा, क्योंकि S की वैल्यू इतनी थी, 1 थी। S की वैल्यू अगर 1 होगी तो MS की 3 वैल्यू पॉसिबल होती है, प्लस 1, 0, माइनस 1। जैसे आपने देखा था कि जो अगर हम स्मॉल एल, अगर स्मॉल एल 1 है तो एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी, 1, 0, माइनस 1, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वैल्यू कितनी देखी, एफ, एफ एल की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 3, तो एम की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 7, प्लस 3 से माइनस 3। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल, आप पहली लाइन देखिए, इसमें आगे 3, 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 7 वैल्यू पॉसिबल ML की। और S की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3, प्लस 1, 0 एंड माइनस 1। अब ये क्या करेंगे देखिए, यानी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, MS वैल्यू, प्लस 1, प्लस 3, 0, 3, माइनस 1, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर प्लस 2 के कॉम्बिनेशन बनाइए, प्लस 2 के कॉम्बिनेशन बनाइए MS के साथ, देखिए प्लस 2, प्लस 1, प्लस 2, 0, प्लस 2, माइनस 1। तो ये ऐसे ऐसे आप देखेंगे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए L की वैल्यू कितनी है, 7, और S की वैल्यू कितनी है, 3, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 31। ये देखिए नीचे बनाए हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ML एंड MS वैल्यूज। तो ये देखिए टोटल कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, जो ML वैल्यू है प्लस 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1, 0, माइनस 1 से, फिर ML की जो प्लस 2 है उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल हमें इतने कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। आई थिंक यू गॉट इट, अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, हमने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना सीख लिया है। अब देखिए ये जो, ये तो हमने केवल क्या सीखा था, ग्राउंड स्टेट निकालना, ये केवल ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि हमें ज्यादा नहीं सीखना है, मैं केवल आपको ये दिखाऊंगी कि एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो एक्चुअल में कुछ ग्राउंड स्टेट में टूटता है और कुछ उसमें और भी टर्म्स आती हैं, वो टर्म्स अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है। देखिए ये पूरा टेबल आप देखिए, जो हमें आसान दिखाई देता था, लेफ्ट में मैंने आपको पहले कॉलम में जो लिखा है वो है कॉन्फ़िगरेशन, जो दूसरा कॉलम है वो है टर्म्स, और जो तीसरा कॉलम है वो है स्टेट टर्म। तीसरा कॉलम तो केवल ग्राउंड स्टेट टर्म बताता है, ओके? जो एस कॉन्फ़िगरेशन है, जब उसके अंदर क्या हुआ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, ग्राउंड स्टेट टर्म मिलती है, तो 2s½ है। अब डी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे हम हाफ फील्ड की ओर जाएंगे तो वहां पर हमें अधिक से अधिक स्टेट्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे देखिए आप D5 देखिए, आप देखिए एक स्टेट जो मैंने अंडरलाइन की है, देखिए हर एक में एक एक अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन स्टेट है वो है ग्राउंड स्टेट, जो बाकी स्टेट्स ये देखिए मैंने आपको एनलार्ज करके दिखाया। अब आप देखिए ये है D5 कॉन्फ़िगरेशन, और D5 कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी स्टेट्स टूटता है, 2i, 2h, 4g, 2t, 4f, ये इतनी सारी स्टेट्स में टूटता है, एक्चुअली इतनी सारी एनर्जी लेवल्स है, लेकिन उसमें से हमें केवल एक टर्म हमने निकालनी सीखी है, वो है 6s/2। तो वो बहुत लंबा है वो प्रोसेस, क्योंकि बहुत टीडियस है वो, कुछ आप देखेंगे यूट्यूब वीडियोज में भी वो प्रेजेंट है। तो ये केवल हमने जो निकालना, देखिए इतनी सारी टर्म्स में से हमें केवल एक टर्म निकालने आई है, वो है जो अंडरलाइंड है, दैट इज 6s। अब आप देखिए D6, देखिए कितने सारी स्टेट्स हैं, केवल हमें निकालनी आई है 5D, 5D इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, ओके। सो ये हैं डिफरेंट टर्म्स, पूरी टेबल नहीं आ पाई है, ये है पूरी, ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स हैं, जो टोटल टर्म्स हैं, इतनी टर्म्स में एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन टूटता है, और ये जो टूटता है ये अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, हमें क्या चाहिए, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें से हमने ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट कर लिए। अब स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए
हमने ग्राउंड स्टेट निकालनी सीख ली. ग्राउंड स्टेट हमने एक्चुअल किसकी निकाली, अभी जो हमने निकाली है वो हमने निकाली है आयन, फ्री आयन की, फ्री मेटल की. अभी मेटल है, अभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है. तो अभी हमने केवल जो टर्म निकालनी सीखी है वो आप देखिए, इतना छोटा सा कंफिग्रेशन और उसमें ये हो रहा है. उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो नॉर्मली उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहे हैं, उसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है, और वो एटम में क्या हो रहा है कि वो कुछ एनर्जी लेवल्स में टूट रहा है. अब क्या होना है, अब होना है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. अभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बिना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ही इतनी स्टेट्स हैं. जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो फिर आप देखेंगे देयर विल फर्दर सम स्टेट्स. ओके, अब मैं आपको कुछ फिर से टर्मिनोलॉजी कुछ और भी बताऊंगी, फिर से आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ अब, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुलिकेन टर्म सिंबल्स. अब देखिए, इससे पहले जो मैंने टर्म आपको बताई थी, जितनी भी मैंने आपको ये टेबल दिखाई है, ये सब एटम की टर्म है. ये देखिए लिखा भी है एटमिक टर्म्स. ये आयन है, ये मेटल है, ये फ्री है. उस समय ये कॉन्फ़िगरेशन इतनी सारी टर्म्स में टूटता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एटमिक टर्म्स. अब आप देखेंगे जो नया टर्म मैंने आपको बता रही हूं वो है मोलिकुलर टर्म. इसको हम मोलिकुलर टर्म भी कहते हैं, क्योंकि अब क्या बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. अब क्या हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है. अगेन उसके लिए हम कुछ कुछ टर्म्स देखेंगे, क्यों हम यूज कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे, कहां पर हम कैसे टर्म यूज करेंगे. पहला पॉइंट आप देखिए कि एनर्जी टर्म, और जो एक्चुअली जो एटम्स की जो एनर्जी टर्म्स थी, जैसे आपने देखा डी, आपने देखा ग्राउंड स्टेट डी थी, तो वो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, वो स्प्लिट होगी इन ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फ्री. जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो वो जो टर्म है फर्दर स्प्लिट होगी. ओके, अब यहां पर आप तीन तरीके के मैंने आपसे कहा, सेकंड आप सेकंड बुलेट देखिए, सेकंड बुलेट आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो तीन तरीके की स्टेट आप देखेंगे, एक तो आप देखेंगे जहां पर मैं टी लिखूंगी, एक कहीं पर मैं ई लिखूंगी, कहीं पर मैं ए लिखूंगी. तो वो टी क्या है, टी मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट. तीन ऑर्बिटल है, तीन स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है. ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली हम बात करेंगे एनर्जी स्टेट्स की. तीन एनर्जी स्टेट्स हैं, तीनों की एनर्जी बराबर है, तो वो ट्रिपली डिजेनरेट है, उसको हम टी से दिखाएंगे, कैपिटल टी. अगर डबली डिजेनरेट है उसको कैपिटल ई से दिखाएंगे, अगर वो सिंगली डिजेनरेट है तो उसको हम ए से दिखाएंगे. और इनके सबस्क्रिप्ट में आप देखेंगे क्या आएगा, जी या यू. ये मैंने आपको बताया कि जी क्या है, एक्चुअल में जी इज द जी रेट एंड यू इज अनजी रेट. यहाँ पर हम ये अनजी रेट और जी रेट जो है वो कैसे यूज करते हैं आप देखेंगे, आप देखेंगे. अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं पहले आपको, डीजेनरेसी. देखिए एस ऑर्बिटल है, ये आपको याद रखना है कि एस ऑर्बिटल, इसकी डीजेनरेसी एक होती है, यानी एक ही इसमें स्टेट होगी. पी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी तीन होती है, जैसे पी ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, यानी वो भी ट्रिपली डिजेनरेट होता है, ऐसे ही पी स्टेट भी ट्रिपली डिजेनरेट होती है. डी, डी की डिजेनरेसी कितनी होती है, फाइव. एफ की डिजेनरेसी कितनी होती है, सेवन. मतलब सेवन स्टेट है, सातों की एनर्जी क्या है, बराबर. जी की डिजेनरेसी कितनी, जी स्टेट भी होती है, एच भी होती है, आई भी होती है, रेस्पेक्टिवली दो दो आप बढ़ा दीजिए तो उनकी डिजेनरेसी बढ़ती जाएगी. ओके, तो एस है तो एक डिजेनरेसी, पी है तो तीन डिजेनरेसी, डी है तो फाइव डिजेनरेसी, एंड सो ऑन. ओके, अब देखिए यू एंड जी हम कहां पे यूज करेंगे. एक्चुअली यू और जी का मतलब यहां पर अब हम क्या करेंगे, अगर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो हम फिर जी का यूज करेंगे. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वी विल यूज सबस्क्रिप्ट जी, जी रेट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है. लेकिन जो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वहां पर हम जी या यू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए हम वहां पर जी का यूज या यू का यूज नहीं करेंगे. अभी आप ऑर्गल डायग्राम एक्चुअली हम बनाएंगे, तो वहां पर आप ये याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अबाउट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर हम जी एंड यू का यूज करेंगे टर्म्स में, ओके. लेकिन अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर हम जी का यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए हम जी का यूज
नहीं करेंगे ना ही यू का करेंगे, ठीक है। अब जो टर्म्स हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो डी है, जो डी टर्म है, वहां पर क्या होगा, वो आपने देखा जी रेट थे, तो जो टर्म्स सेम पेरिटी, इवन पेरिटी से जनरेट होते हैं, मतलब एस है, एस की पेरिटी कितनी है, एस जो है डी ऑर्बिटल है, इनकी एल वैल्यू कैसी है, देखिए एस की एल वैल्यू कितनी है, जीरो, डी की एल वैल्यू कितनी है, टू, जिनकी पेरिटी इवन होती है उनमें उनमें क्या होता है, जी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो अगर किसका है, ये कैपिटल एस तो क्या है, ये तो स्टेट है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जनरेट होती है तो आप देख सकते हैं इनमें सब में जी लगा हुआ है, ओके। अभी मैं बताऊंगी ये स्प्लिटिंग कैसे है आपको, ठीक है। और ये किससे जनरेट होंगी, अगर अगर आप देखेंगे कि ये जो जो कॉन्फ़िगरेशन है डीएन कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो फिर वहां पर जी या यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए टर्म्स जो है वो जो ऑड पेयरी से जनरेट, अच्छा ये जो टर्म्स हैं जो कहाँ से जनरेट हो रही है, एस या डी कॉन्फ़िगरेशन से, अगर कॉन्फ़िगरेशन एस है या डी है, जिनकी एल वैल्यू क्या होती है, इवन होती है, एस की एल वैल्यू क्या है, जीरो, डी की एल वैल्यू क्या है, टू, तो यहां से जो टर्म जनरेट होती है उनमें हम क्या लगाते हैं, देखिए जी लगाते हैं, सब में जी लगा रहे हैं। फिर जो टर्म ऑड पेयरिटी से, देखिए जो पी ऑर्बिटल है उसका एल की वैल्यू कितनी होती है, वन, जो एफ ऑर्बिटल है उसकी एल की वैल्यू कितनी होती है, थ्री, तो ये ऑड पेयरिटी है। यहां पर आप देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए पी वन एंड पी फाइव, तो पी वन एंड पी फाइव जो है वो, अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिए इलेक्ट्रॉन भी ऑड है, तो जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर यू यूज करेंगे, देखिए टी वन यू लिख दिया हमने, जबकि जहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे पी टू एंड पी फोर, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, जी का यूज करेंगे। हेलो आवाज, हेलो हेलो, हाँ हाँ आप बोल, आप बोलिए मैडम, मैंने अनम्यूट कर दिया, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए, आप बोलिए मैडम। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ओके। देन अब आप देखें, मैंने आपसे कहा कि हमने जो अभी पढ़ा वो पढ़ा एटॉमिक टर्म के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉलिक्यूलर टर्म्स, और ये कंप्लीट यहाँ पर आए नहीं है मॉलिक्यूलर टर्म्स, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मॉलिक्यूलर टर्म्स हैं ये टर्म्स क्या हैं, जब क्या बन जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा देन क्या होगा कि ये जो स्टेट्स थी वो फर्दर स्प्लिट होती है। देखिए उसके भी कुछ रूल है, मैं आपको टेबल दिखा रही, ये देखिए आप, देखिए एटॉमिक टर्म क्या थी, मान लीजिए P थी, NP, N इज द मल्टीप्लिसिटी, ओके, तो जो NP थी उसका जो मॉलिक्यूलर टर्म होता है वो क्या, ये जो एटॉमिक टर्म्स हैं ये जब फर्दर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो दीज एटॉमिक टर्म्स दे फर्दर स्प्लिट इनटू सम अदर टर्म्स, दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर टर्म्स और मॉलिक्यूलर टर्म्स, ओके। तो जैसे पी है ट्रिपली डीजनरेट है, ओके, तो ये स्प्लिट जब होता है तो ये टी में स्प्लिट होगा, टी मीन्स ट्रिपली डीजनरेट, ओके। फिर आप देखिए डी, डी की डीजनरेसी मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि इनकी डीजनरेसी भी मैंने आपको बताई है, पांच है, और ये किसमें स्प्लिट हो रहा है, टी टू एंड ई में, ई की डीजनरेसी कितनी होती है, दो, टी की कितनी होती है, थ्री, तो टोटल डीजेनरेसी देखिए जो जो मॉलिक्यूलर टर्म है वो है टी एंड ई, थ्री प्लस टू, टोटल डीजेनरेसी कितनी हो गई, पांच। तो जो डीजेनरेसी एटॉमिक टर्म की होती है वही टोटल डीजेनरेसी किसकी होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर टर्म की और मॉलिक्यूलर टर्म की। अब देखिए थर्ड, देखिए एफ, जो एफ टर्म है उसको देखिए आप किसमें टूट रहा है, ये डिफाइंड टर्म्स है, इनको हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि दीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रुप थ्योरी, ओके। तो जो मॉलिक्यूलर टर्म्स यहाँ से लेकिन जनरेट हो रही हैं वो है ए टू टी वन एंड टी टू, देखिए ए इज सिंगली डीजनरेट, टी मीनली डीजनरेट, सो तीन, तीन फॉर टी टू, थ्री फॉर टी वन एंड वन फॉर ए टू, टोटल सेवन। तो सेवन डीजनरेसी कितनी होती है एफ की, एफ स्टेट की कितनी डीजनरेसी, सेवन, तो सेवन ही डीजेनरेसी किनकी होगी, मॉलिक्यूलर टर्म्स की भी होगी, तो जो जनरेट होंगी, अब ये आप देखिए आई, देखिए आई की डीजेनरेसी कितनी होती है, थर्टीन। अब देखिए ए, ए मीन्स वन, देन ए टू मीन्स वन टू, ई मीन्स टू, टी मीन्स थ्री, एंड यहां पर दो टी टू बनेंगी, तो ये क्या हो गई,
टोटल मिला के जो इनकी डिजेनरेसी आएगी मॉलिक्यूलर टर्म्स की, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 13. तो ये क्या हो गया देखिए, तो इसलिए अभी देखिए रूल है, जो एटॉमिक टर्म जो टूटेगी वो नंबर वन, जो एटॉमिक टर्म है और मॉलिक्यूलर टर्म है दे हैव द सेम मल्टीप्लिसिटी. देखिए आप सबकी मल्टीप्लिसिटी, अगर NP है तो NP टर्म जनरेट होगी, अगर ND है तो NT2 एंड एनी टर्म जनरेट होगी, मतलब अगर 2D है तो 2T2 एंड 2E जनरेट होगी. अगर किसी की कास्ट सिंह है तो आगे भी सिंह ही लगाएंगे, जो आगे जो जनरेशन आएगी उसको भी. तो क्या है यहाँ पर भी आप यही कह सकते हैं, जो एटॉमिक टर्म के बच्चे कौन हो गए, मॉलिक्यूलर टर्म, वहां से स्प्लिट होके आए, इसलिए उनका जो मल्टीप्लिसिटी है दैट विल रिमेन द सेम. नंबर वन पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटॉमिक टर्म्स एंड द मॉलिक्यूलर टर्म विल रिमेन द सेम. नंबर टू, द डिजेनरेसी ऑफ द एटॉमिक टर्म will be equals to the total degeneracy of the molecular terms. Okay? जो total degeneracy होगी atomic term की और जो molecular terms की जो total degeneracy होगी वो क्या होगी, बराबर होगी. तो मैडम स्क्रीन नहीं आ रही है. अच्छा स्क्रीन गई सर. हाँ सर आपका कैमरा ऑन हो गया तो स्क्रीन नहीं दिख रही, थोड़ा देख लीजिए. हाँ जी आप दिखा सर. हाँ हाँ दिख रहा है. हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आपको मेन जो याद रखना है वो बात है कि एक तो एटॉमिक टर्म एंड मॉलिक्यूलर आयन टर्म इनकी जो इस मल्टीप्लिसिटी विल बी द सेम एंड द डीजेनरेसी ऑफ एटॉमिक टर्म एंड मॉलिक्यूलर टर्म विल बी द सेम. जी है तो जी की डीजेनरेसी कितनी है, 9. टोटल अगर आप देखेंगे तो 2T है यानी 3, 3, 6, एक ई है, 2, 6, 2, 8 और एक 9. तो टोटल डीजेनरेसी, तो एक बस एक जो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है. अब कैसे निकलेंगी मैं आपको बताने जा रही हूँ, पी डी और एफ ये तीन टर्म कैसे स्प्लिट होते हैं ये बताऊंगी. ये रखना है कि जो मल्टीप्लिसिटी है वो सेम रहेगी और जो डीजेनरेसी है दैट विल आल्सो रिमेन द सेम. सो दीज आर मॉलिक्यूलर आयन टर्म्स. अब आप देखेंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब जो 5 ऑर्बिटल थे लेफ्ट में देखिए आप डायग्राम के, जो 5 ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी पहले बराबर थी, 5 डीजेनरेसी थी, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि ये स्प्लिट होगा और देखिए T2G नीचे आ जाएगी एनर्जी, ट्रिपली डीजेनरेट, तीनों की एनर्जी बराबर है, ये ऑर्बिटल की बात है एक्चुअल में. और फिर ऊपर जो क्या होना गया, 2 ऑर्बिटल आ गए वो डबल डीजेनरेट है. ओके और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को अगेन हम देखें तो डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल नीचे आ गए और जो 3 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो गई, ऊपर हो गई. तो इसके लिए आपको स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए कि स्प्लिटिंग कैसे होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में. अब हम ये देखेंगे कि टर्म कैसे स्प्लिट होती है. अब मैं आपको अगर एक बार फिर से ग्राउंड स्टेट्स में ले जाऊं, डी अब हमें मतलब है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से. ओके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से हमें मतलब है क्योंकि हम उसका स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं. अब आप देखिए D1 से ये देखिए D1 से D10 तक अगर हम देखेंगे, अगर आप इनका लास्ट कॉलम देखें, यू कैन सी दैट द ग्राउंड स्टेट टर्म इज DF, FD, SD, F. आप ये देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म या तो डी है या एफ है या एस है, ओनली 3 काइंड ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म्स, 3 तरीके की ग्राउंड स्टेट टर्म्स हैं, या तो डी है या एफ है या एस है. तो हम केवल इन 3 की स्प्लिटिंग की बात करेंगे कि अगर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी. तो अब देखिए आप क्या क्या होगी, 3 मैंने आपको बताया कि 3 ग्राउंड स्टेट टर्म पॉसिबल ज्यादातर जो होती है वो होती है डी एफ एंड एस. अब देखिए जो एस है इट इज नॉन डीजेनरेट, एक ही इसमें एनर्जी लेवल होता है इसलिए ये स्प्लिट नहीं होता. पी टर्म जो है वो ट्रिपली डीजेनरेट होता है इसलिए वो टी में स्प्लिट होता है. स्प्लिटिंग होती है वो किसकी होती है, केवल डी और एफ जो टर्म्स हैं दे विल स्प्लिट एंड दे विल स्प्लिट इन डिफरेंट वे. दे स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करेगी, कॉम्प्लेक्स कैसा है. ठीक है अब जो स्प्लिटिंग है ये अभी आपको मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि अगर आप देखेंगे, अब देखिए हमने कहा कि एक ग्राउंड स्टेट होगी और एक एक्साइटेड स्टेट होगी. ठीक है तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो डी जो देखिए डी की स्प्लिटिंग दिखाई है, स्प्लिटिंग ऑफ डी टर्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा,
ये डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि किस किस क्या टर्म होनी है. ग्राउंड स्टेट आइदर इट विल बी T2G और इट विल बी EG और एक्साइटेड स्टेट. वन एक्साइटेड स्टेट होगी या टू हो सकती है एक्साइटेड स्टेट्स या थ्री एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती है. लेकिन जो डी टर्म है वो हमेशा स्प्लिट होगी T2 में और E में. बस इसके अलावा किसी में स्प्लिट नहीं होगी क्योंकि देखिए T means triply, E means double. तो 3 + 2 = 5. तो टोटल डीजेनरेसी कितनी है 5 और डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी कितनी है 5. ओके सो ये जब भी स्प्लिटिंग होगी तो ये T2 और EG में ही होगी. अब कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट होगी दैट विल डिसाइडेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इफ वी सी द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगेन आप देखेंगे कि जब डी ऑर्बिटल जब डी एनर्जी स्टेट टूटेगा तो केवल दो ही टर्म में टूटेगा या तो T2 में या E में. केवल दो ही मुलिकन टर्म्स पॉसिबल. ओके अगर F टर्म स्प्लिट होगा तो देखिए तीन टर्म पॉसिबल हैं A2G और T1G एंड T2G. ये तीन ही टर्म है जिसमें ये स्प्लिट होगा. F टर्म देखिए टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो ये जनरल आइडिया है. वो केवल तीन आपको केवल तीन कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा लेना देना है. तीन ग्राउंड स्टेट से S, F एंड D. डी अगर स्प्लिट होगा डी की डीजेनरेसी 5 है तो जब डी स्प्लिट होगा तो वो केवल दो ही स्टेट में स्प्लिट हो सकता है T2 एंड E में. ओके और जब F स्प्लिट होगा तो वो तीन टर्म में स्प्लिट होगा. वो क्या होंगी T1 T2 एंड A2. बस आपको इतना याद रखना. अब ये किस में स्प्लिट होंगे ये डिपेंड करेगा क्या कॉन्फ़िगरेशन है. अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म 1 by 1. देखिए अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले आपको मैं स्प्लिटिंग बताऊंगी. अब देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज द D1 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. ये जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है ग्रीन वाला. ओके अब आप देखिए D2 देखिए जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ग्राउंड स्टेट 2D. अब आप निकालना सीख जाएंगे आपके पास टेबल भी है. तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा. अब आप पहला वाला फिलिंग देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है T2G में. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है T2G1. ओके अब आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है आपको कैसा दिख रहा है सामने से देखने पे एसिमेट्रिकल फिलिंग. इलेक्ट्रॉन अगर तीनों भरे होते तीन हाफ होते तो वो सिमेट्रिकल फिलिंग कहलाती. ओके और अगर वो इलेक्ट्रॉन 6 के 6 भरे होते तो भी वो सिमेट्रिकल फिलिंग होती. जैसे देखिए जो फील्ड नहीं है वो भी सिमेट्रिकल दिख रहे हैं लेकिन जो फील्ड है वो एसिमेट्रिकली फील्ड है. अब देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है T2G में. ओके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये पहले वाले ऑर्बिटल में रह सकता है. ये इलेक्ट्रॉन बीच वाले ऑर्बिटल में भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल में भी हो सकता है क्योंकि इसके पास तीन पॉसिबिलिटी है. There are three possibilities. तीन ट्रिपल. ओके तो अगेन इसको हम क्या कहते हैं When T is asymmetrically filled, then it is known as T. इसलिए इसका नाम क्या है T. देखिए ये जो ground state है इसको हम क्या कहेंगे T, capital T से दिखाया मैंने capital T. Configuration T2G1. तो ये ground state क्या है capital T. अब आइए इसकी excited state में देखिए सॉरी ये राइट साइड में जो मैंने ग्राउंड स्टेट लिखा है एक्साइटेड स्टेट. एक्चुअली देखिए इलेक्ट्रॉन जो T2G में था वो कहाँ चला गया है EG में. अब इलेक्ट्रॉन EG में चला गया है ठीक है ये एक्साइटेड स्टेट है. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया EG में चला गया. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो T2G था वो तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई लेकिन जो जो EG सेट था उसकी जो फीलिंग है वो क्या हो गई एसिमेट्रिकल हो गई. तो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेयर्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है ये dx स्क्वायर y स्क्वायर में भी हो सकता है. ये तो या तो पहले वाले में होगा या दूसरे वाले में होगा. कितनी पॉसिबिलिटी है दो पॉसिबिलिटी. तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया E. ये देखिए ये टर्म क्या हो गई E. ये वाली टर्म क्या है E. तो अब आप ये कह सकते हैं कि जब एक D1 कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होगा तो वो देखिए ये जो 2D ग्राउंड स्टेट थी जो कि फ्री मेटल आयन की थी जब क्या बना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ देन दिस विल स्प्लिट इन टू 2 मुलिकन टर्म्स. वो मुलिकन टर्म्स क्या होती हैं T2G एंड EG. इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वी क्या हम क्या लगाते हैं G का यूज करेंगे. तो ये टर्म्स T2G है और EG है लेकिन
इसमें से भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी और एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी। तो अगेन आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट जब होगा तो कहाँ होगा, T2G में, ठीक है। तो अब ये T क्या है, एसिमेट्रिकली फिल, ये इलेक्ट्रॉन की तीन पॉसिबिलिटी है, तो पहले वाले ऑर्बिटल में हो सकता है या बीच वाले में या तीसरे वाले में, तो तीन पॉसिबिलिटी है, थ्री मीन्स T, तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, T, मतलब ये क्या होगी, T2G। अब ये जो अगर ये एक्साइटेड हो गया ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, देखिए ईजी में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर आप देखिए अब ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, दो ही रह गई, दो ही ऑर्बिटल है इसके पास खाली, या तो ये पहले वाले ऑर्बिटल में रहेगा या ये दूसरे वाले में रहेगा, तो दो पॉसिबिलिटी, इट इज डबली, डबली मीन्स ई, सो दिस टर्म इज ई। इसका मतलब है कि जब 2D ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 2D। अब देखिए ये 2D है, तो ये इससे जो जनरेट होगी मॉलिक्यूल टर्म उसकी वो क्या होगी, 2T2G, दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम, ओके। और दूसरी टर्म में जो एक्साइटेड स्टेट टर्म होगी वो क्या होगी, 2EG, दोनों की क्या है, जो मल्टीप्लिसिटी है सेम है, और टोटल डीजेनरेसी विल रिमेन द सेम, डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी है वो 5 है, और यहाँ पर दो ये ऑर्बिटल है इनकी डीजेनरेसी क्या होगी, 5 होगी, T2G एंड EG। अब देखिए टेट्राहेड्रल फील्ड में आई है, अब इसी D1 कॉन्फ़िगरेशन को टेट्राहेड्रल फील्ड में देखिए, आप देखेंगे कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ई में, क्योंकि ई की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये जो ई में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए इसकी दो पॉसिबिलिटी है, तो ये पहले वाले ऑर्बिटल में हो गया, ये दूसरे ऑर्बिटल में, जब दो ऑर्बिटल होंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, जब तीन ऑर्बिटल होंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 3 होंगी, तो यहाँ पर इसकी दो पॉसिबिलिटी है, तो ये ई है डबली, इसलिए स्टेट क्या हो गई, ई। अब देखिए सेकंड वाले में देखिए जब एक्साइटेड स्टेट होगी, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट लिखा है, एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, देखिए T2 में चला गया, तो अब T2G में कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, सो इट इज ट्रिपली डीजेनरेट। अब आप देखिए दोनों में अंतर, अब नाउ यू कैन रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटिंग ऑफ D1 configuration for tetrahedral and octahedral complex. You can see in case of octahedral. Hello, ma'am, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, तुम्हें आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप पर? चारू कुछ कह रहा है, सुनिए चारू कह रहा है, कुछ सुनिए। हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही? मैम आ रही है लेकिन किसी और ने प्रेजेंट शुरू कर दिया है। अरे ये कौन कर रहा है आज? मैम आप ऐसा करिए, अब आप 10-15 मिनट में आप समराइज कर ही दीजिए। अच्छा गोपाल है, कोई और प्रेजेंट करने लग गया? हाँ उसको चारू बोल रहा है उसे, आप देख लीजिए। मेरा दिख रहा है? अभी नहीं आ रहा है। अच्छा आप समराइज ही कर लीजिए मैम। समराइज अभी थोड़ा सा और है। अच्छा ठीक है मैम, आप कर लीजिए 10-15 मिनट में कर लीजिए। ये दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है मैम। सब ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। आप एक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, देखिए D6, अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है, देखिए ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो ये देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में हो सकता है या दूसरे ऑर्बिटल में हो सकता है या तीसरे ऑर्बिटल में हो सकता है, मतलब इसकी 3 डीजेनरेसी है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G सेट में एसिमेट्रिकली फिल्ड है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3, तो स्टेट क्या होगी, T, और अगर वो E में है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2, तो उसकी टर्म क्या होगी, E। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए ये लेफ्ट वाला ऑक्टाहेड्रल है, अगर ब्लू देखेंगे, इफ यू सी द ग्रीन वन, तो आप ये देखेंगे कि ये क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल अपोजिट इनकी स्प्लिटिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट वाला जो है, देखिए यहाँ पर T2 इज द ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट यहाँ पर क्या, E है, तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एकदम जब स्प्लिटिंग होती है। अब अगर हम देखें, अब देखिए D4 और D6, D9 एक से होंगे, अब हम आ रहे हैं उसमें जहां पर स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, F, जहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, F। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड को देखें, देखिए ये D2 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज D2 कॉन्फ़िगरेशन, देखिए दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ग्राउंड स्टेट देखिए जो टी सेट, जो T2G सेट है, देखिए या तो दो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और एक +1 वाले में, एक 0 वाले में, एक या तो क्या हो सकते हैं 0 और -1 वाले, ये कहां हो सकते हैं +1 और -1 वाले, तो इनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 3।
जबकि जो बीच वाला है देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन T2g में है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, Eg में। तो यहाँ पर डीजेनरेसी कितनी होगी, 6, 6 डीजेनरेसी होती है। तो क्योंकि 3 जो है वो T की और 2 किसकी, E की, तो इसलिए जो है 6 डीजेनरेसी का मतलब, क्योंकि मुझे शॉर्ट में बताना है, 6 डीजेनरेसी का मतलब यहाँ पर 2 टी टर्म है, एक टी टर्म जो है वो किसकी होती है, एफ की, और एक टी टर्म किसकी होती है, पी की। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, देखिए ईजी में चले गए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, मतलब इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। तो ये टर्म क्या है, ए है, ये टर्म क्या हो गई, सिंगली डीजेनरेट। तो एक्चुअली जब भी हम 3F टर्म लेंगे, 3F मतलब देखिए आप डीजेनरेसी कितनी, 7, F की डीजेनरेसी कितनी है, 7। जबकि अगर हम यहाँ टोटल डीजेनरेसी देखेंगे तो 3T1G की 3 है और बीच वालों की 6 है और लास्ट की 1 है, टोटल रेसी 10 है। तो 10 हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक टर्म और इंक्लूड होगी, दैट इज क्या होगी, 3P, यानी एक टर्म और इंक्लूड हो गई, वो है 3P। और वो 3P टर्म कहाँ से आएगी, वो एक टर्म और होती है जिस कॉन्फ़िगरेशन में 3F होती है उसमें 3P जरूर होती है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी किसकी, F की, और F की जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है T1G, T2G एंड A2G में, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल के लिए हो रहा है या ऑक्टाहेड्रल के लिए हो रहा है या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक मेरे को और पॉइंट आपको एक और बताना है कि ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है अगर हम देखेंगे तो ये मैंने आपको दिखाया एक शॉर्ट में कि जो D1 टेट्राहेड्रा है वो किसकी तरह होता है, जो DN कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए ये है DN कॉन्फ़िगरेशन एंड DN+5 कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए D1 ऑक्टाहेड्रा, D6 ऑक्टाहेड्रा, ये एक से होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग बिल्कुल एक सी होती है। और DN एंड D10-N यानी D1 एंड D9 ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और जो D1 टेट्राहेड्रा होगा और D1 ऑक्टाहेड्रा होगा, इनकी स्प्लिटिंग एक दूसरे से इनवर्स होगी। ये अब फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आ रही हूँ ऑर्गल डायग्राम्स में, क्योंकि स्प्लिटिंग आप देख ली है, सम अप भी करना है। अच्छा, सिलेक्शन रूल्स इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम्स, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम्स क्या है, एक्चुअली ऑर्गल डायग्राम्स जो है वो DD जो ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं उनकी उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को दिखाते हैं। ये जो जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं ये किसके लिए होते हैं, जनरली वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर ओनली फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर जो हम टर्म्स दिखाते हैं जो ऑर्गल डायग्राम्स में, ये सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स दिखाते हैं एक्सेप्ट D5 configuration एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर बाकी सारे डायग्राम्स में सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होती हैं। और जो ऑर्गल डायग्राम्स होते हैं वो किसके बीच में प्लॉट किए जाते हैं, दे आर प्लॉटेड इन बिटवीन डेल्टा ओ एंड ई, ये किसके बीच में प्लॉट किए जाते हैं, डेल्टा ओ एंड ई के बीच में। और इनकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, अबाउट दी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको स्प्लिटिंग आ गई डी टर्म की और एफ टर्म की, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द ऑर्गल डायग्राम। नाउ यू कैन सी दिस इज द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए जो वाई एक्सेस है ये ई है और जो जो एक्स एक्सेस है वो क्या है, डेल्टा ओ, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप देख सकते हैं ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए T2g की एनर्जी नीचे होती है और जो EG होता है उसकी एनर्जी ऊपर होती है। तो ये ऑर्गल डायग्राम है और देखिए आप यहाँ पर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल फ्रॉम T2g टू EG, एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो वी विल गेट वन पीक इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमें कितनी पीक मिलेंगी, एक पीक मिलेगी क्योंकि एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जहां पर भी ग्राउंड स्टेट टर्म डी होगी वहां पर ओनली वन पीक इज देयर बिकॉज देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन। देन D1 मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट। अच्छा, जब हम ड्रॉ करेंगे, जब भी हम टेट्राहेड्रल का जो ऑर्गल डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज आपको बस याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल के केस में देखिए जी नहीं लिखा है, ना तो कन्फिग्रेशन में लिखा है और ना ही जो कैपिटल है वो एनर्जी स्टेट है, जो स्मॉल है वो कन्फिग्रेशन है। ओके, तो जी ये यूज नहीं करेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा,
कि यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे हैव नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए वहां पर हम जी का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है. ओके, देन देखिए D6 और D1 एक से होते हैं, मैंने आपसे कहा आपको याद रखना है D1 DN एंड DN प्लस 5, इसलिए मैंने आपको D6 दिखाया है. तो D6 है और जो D1 है वो एक से होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग एक सी होगी. हालांकि देखिए आप मल्टीप्लिसिटी विल डिफरेंट, यहाँ पर 5 है मल्टीप्लिसिटी, D1 के लिए कितनी थी 2 थी, लेकिन जो स्प्लिटिंग है देखिए T2 की एनर्जी कम होगी और E की एनर्जी ज्यादा होगी, पैटर्न वही होगा लेकिन मल्टीप्लिसिटी विल डिफरेंट. सो DN एंड DN प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल D4 एंड D9, इनका स्प्लिटिंग एक सी है. ठीक है, तो चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं, D1 D6 D4 D9, आप नोट कर सकते हैं D1 D6 D4 D9, इन चारों की ग्राउंड स्टेट D होती है, मल्टीप्लिसिटी कैन बी चेंज, तो इनकी स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगी, या तो T2 नीचे होगा या E नीचे होगा. ये देखिए क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, अब ये जॉन टेलर को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वैसे अगर आप देखेंगे ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, सो ओनली वन पीक विल बी देयर. देन दिस इज D6 टेट्राहेड्रा, देखिए अगेन मैंने G नहीं लिखा है लेकिन ये बिल्कुल उल्टा आएगा. देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो E है और यहाँ पर देखिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो T2, तो ये बिल्कुल अपोजिट आएंगे टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा एक दूसरे के. देन D2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, D2 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था जहां पर भी F टर्म होगी वहां पर देखिए P टर्म जरूर होगी, आपको P टर्म इंक्लूड करनी है क्योंकि यहाँ पर जब हम स्प्लिटिंग कर रहे थे हमें 10 डीजेनरेसी मिल रही थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो T1G T2G A2G, ये तीन टर्म तो F की है और एक जो टर्म है T1G वो किसकी है, F की है. अब यहाँ पर आपको क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर जो A2G और T1G है ये दो टर्म्स जो है वो डिफरेंट सिमेट्री की अलग अलग टर्म्स है, तो ये मिक्स नहीं होती है, दे क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है. तो आप इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे और आप ये देखेंगे तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है बिकॉज वन ग्राउंड स्टेट टर्म 3T1G और तीन क्या है एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है जो जहां पर आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रांजिशन या तो बहुत ऊपर एब्जॉर्ब करता है या बहुत नीचे, मीन्स या तो IR रीजन में चला जाता है या फिर UV रीजन में चला जाता है, तो वो विजिबल रीजन में नहीं दिखाई देता, तो दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ विजिबल रीजन, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. तो ट्रांजिशन तीन होंगे, तीन स्पेक्ट्रा होने चाहिए, तीन पीक होने चाहिए, बट 3 पीक्स नहीं इसमें नजर आ रहे हैं. फिर D2 टेट्राहेड्रा में देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जो F टर्म जब स्प्लिट होगी तो T2 हमेशा बीच में आएगा. ठीक है, T2 हमेशा बीच में आएगा, तो या तो T1 नीचे आएगा या A2 नीचे आएगा, वो डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, या आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं कभी कि ऐसा क्यों हुआ. देन आप देखिए ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो T1 है देखिए दो ये एक दूसरे से दूर भाग रही है, जबकि जो इससे ऊपर था देखिए ये क्रॉस हुआ था, तो ये क्यों एक दूसरे से दूर भाग रही है, क्योंकि यहाँ पर T1 और T1 एक दूसरे के नजदीक है, आप देख सकते हैं. तो ये T1 और T1 ये एक से है, दोनों साथ ही है, देखिए दोनों T1 है, बट एक P से जनरेट हुई है एक F से जनरेट हुई है, तो ये दोनों एक से है इसलिए ये दोनों मिक्स हो सकते हैं या आसानी से मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद जिसकी एनर्जी कम थी जैसे 3T1 ऑफ F उसकी एनर्जी और कम हो जाती है और जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो ये नॉन क्रॉसिंग रूल. ओके, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, जब दो एक सी टर्म एक साथ होंगी तो वो मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद ऐसा लगेगा कि रिपेल कर रही है. ओके, तो T1 जब नजदीक होंगी तो फिर वो क्रॉस नहीं करेंगी, दिस इज नॉन क्रॉसिंग रूल. देन D7 कॉन्फ़िगरेशन और D2 में ये अंतर है, ये दोनों लगभग एक से है, देखिए D2 एंड D7 DN एंड DN प्लस 5, तो दोनों में ही T1G ग्राउंड स्टेट टर्म है, केवल मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस है. ओके, D2 में जो मल्टीप्लिसिटी थी वो 3 थी, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4 है. अगेन आप देख सकते हैं तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है. ठीक है, तो इसलिए जो देखिए तीन इसमें आपको पीक्स दिखाई देंगी, तो ये तीन ट्रांजिशन की वजह से. फिर टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट बिल्कुल इसका उल्टा होगा, T1G नीचे है तो यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, सेम आ गया है, ये जो सेम कॉपी हो गया है, जो टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट ये है देखिए A2 नीचे है और T1 ऊपर है, यहाँ पर भी जो एब्जॉर्प्शन है वो कुछ पीक्स का लोअर फ्रिक्वेंसी पे होता है, इसलिए यहाँ पर केवल एक पीक दिखाई देती है, दिखाई देनी चाहिए तीन. देन D3 कॉन्फ़िगरेशन जस्ट जो है वो D2 का उल्टा होता है, और ये देखिए आप
यहाँ पर भी आपको तीन पीक दिखाई दे रही है क्योंकि तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये इस तरीके का ऑर्गल डायग्राम बनेगा जहां पर टी वन टी वन पास में होंगे, वहां पर आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। फिर आप देखिए डी थ्री ट्राइहेड्रल में, देखिए आपने वहीं पर भी मैंने जी ऐड नहीं किया है, अगेन देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री ट्रांजिशन एंड क्रॉस हो रहा है क्योंकि टी वन और ए टू जो है वो क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग सिमेट्री की टर्म्स है। अच्छा एक चीज मैं आपको याद करा दूं कि जहां पर देखिए मैंने आपसे कहा कि केवल तीन तरीके की टर्म्स है, ए डी, डी किन की है नोट कर लीजिएगा, डी वन डी सिक्स डी फोर एंड डी नाइन। एफ टर्म किन की होती है, डी टू डी सेवन डी थ्री एंड डी एट। तो एफ टर्म सेम तरीके से स्प्लिट होती है, क्या सेम तरीके से स्प्लिट होती है किन की, डी एन एंड डी। हेलो मैम, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हेलो ज्योति सिंह, ज्योति सिंह अपनी प्रेजेंट बंद करो, प्रेजेंटेशन बंद करो ज्योति सिंह जी। मैम आप स्टार्ट करिए मैडम। आप देख सकते हैं तीन पीक्स इसमें आ रही है और ये है डी एट टेट्राहेड्रल, डी फोर इन ऑक्टाहेड्रा। जहां पर मैंने आपसे बता दिया कि आपको कुछ पॉइंट याद करने के लिए है कि आपको क्या याद करना है, नंबर वन पॉइंट याद करना है कि चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं डी टू डी सेवन डी थ्री डी एट जहाँ पर एफ ग्राउंड स्टेट टर्म होती है मेटल आयन की, तो वो तीन जो एक ग्राउंड स्टेट होती है और तीन क्या होती है एक्साइटेड स्टेट, तो हमेशा तीन ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे जिनकी ग्राउंड स्टेट एफ होगी, जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म डी होगी उनके लिए केवल एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और ऐसे चार कॉन्फ़िगरेशन है डी वन डी सिक्स डी फोर एंड डी नाइन। अब एक हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है D5 बहुत स्पेसिफिक है, इसका ऑर्गन डायग्राम आप देखेंगे इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और आप एक चीज और नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर जो अभी आपने इसके ऊपर जो ऑर्गन डायग्राम देखे सब में आप देखेंगे सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स है, टू टू देखिए सारी मल्टीप्लिसिटी सेम है, बट इन केस ऑफ D5 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स, सिक्स मल्टीप्लिसिटी भी है, फोर मल्टीप्लिसिटी भी है, कुछ टर्म हमने नहीं दिखाई है इसमें, टू मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स भी होती है। तो क्यों, बिकॉज द ग्राउंड स्टेट इज 6s, s की डिजेनरेसी एक होती है और एक होने की वजह से ये जो जो आप देखेंगे जो इसका मुलिकन टर्म है वो देखिए राइट साइड पर आप देखिए 6t1g 6a1g, तो ये स्प्लिट नहीं हो सकता। तो लेकिन जो मैग्नीज के जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो मैग्नीज सेकंड के जो कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर वेरी लाइट कलर्ड, बहुत कम कलर के हैं, कम कलर के इसलिए हैं, वो तो सिलेक्शन रूल पर डिपेंड करता है जो हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पर, सिलेक्शन रूल पर डिपेंड करता है। क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है एक्चुअली वो सिक्स मल्टीप्लिसिटी से फोर मल्टीप्लिसिटी में होता है, और अगर जो ट्रांजिशन है अगर डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के बीच में हो तो वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। सो दीज ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस, सो दे शो वेरी लाइट कलर, बहुत लाइट कलर के कॉम्प्लेक्सेस हैं। और यहाँ पर जो मैंने सीधी लाइन दिखाई है आप देख सकते हैं A1G, EG, EG, देखिए यहाँ पर जो T1G है वो बहुत सारी टर्म्स है, T1G G से भी जनरेट हो रही है, F से भी जनरेट हो रही है, ओके P से भी जनरेट हो रही है, T2G भी D से भी जनरेट हो रही है, F से भी, लेकिन जो A1G और EG है यहाँ पर मिक्सिंग सबसे कम होती है क्योंकि ये सबसे कम जनरेट हो रही है। तो आप हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे A और E की, खास तौर से आप इसकी हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके स्पेक्ट्रा में जो आपको शार्प थोड़ी सी पीक्स दिखाई देती है वो उन्हीं ट्रांजिशन की है जो कि 6A1G से कहाँ हो रही है, जो हॉरिजेंटल लाइन है A1G EG जो हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है D5 जो कि ऐसा है जहां पर डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स क्या होती हैं, यूज की जाती हैं ऑर्गल डायग्राम में, ओके? अब आप देखिए हम एक ही ऑर्गल डायग्राम से चार ऑर्गल डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप इस ऑर्गल डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी N दिखाई हुई है, देखिए लेफ्ट साइड में देखिए D1 D6 टेट्राहेड्रा अगर हम देखेंगे तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो E होती है और T2 क्या होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जबकि D9 और D4 जो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट होते हैं उनके जो देखिए जो D1 D6 मैंने आपसे कहा दोनों एक से होते हैं AdN Dn+5, ठीक है, इनकी जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो एक सा होगा। तो लेफ्ट साइड का जो पैटर्न है वो D1 D6 का है टेट्राहेड्रा में और D9 एंड D4 का ऑक्टाहेड्रा में।
राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अपोजिट है, इसको आप देखेंगे ऑर्गल डायग्राम D1 D6 का, वो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। T2 की एनर्जी नीचे हो गई और E की एनर्जी ऊपर हो गई। तो मैंने आपसे कहा चार कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिए, D1 D6 D4 एंड D9, ये चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म डी होती है, लेकिन कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट होगी ये डिपेंड करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, देखिए एफ टर्म, अगर हमारे कोई भी चार कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया D2 D7 D8 एंड D3, ये चार टर्म ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है एफ, जहां पर एफ लिखेंगे वहां पर हम पी का यूज भी करेंगे। और ये हम एक ही डायग्राम में बता सकते हैं, राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो है D2 एंड D7 ऑक्टाहेड्रा एंड D8 एंड D3 टेट्राहेड्रा एनवायरमेंट में। और अगर हमें टेट्राहेड्रा का दिखाना है तो हम जी का यूज नहीं करेंगे, अगर हमें ऑक्टाहेड्रा का दिखाना है देन वी विल यूज जी इन दीज टर्म्स। ओके, तो इसको जो है वो बहुत शॉर्ट में मैंने डिफाइन कर दिया है क्योंकि टाइम की कमी है, मुझे कंक्लूड करने को कहा गया है, तो इसलिए जो है वो अगर आपको कुछ और दिक्कत होगी तो आप यू कैन आस्क मी, अभी भी आप पूछ सकते हैं और इसके बाद जो है आप भविष्य में भी कभी भी आपको लगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसके आगे तो बहुत टफ डायग्राम्स आते हैं, वो उनको जानना, इसके लिए ये आपको ऑर्गल डायग्राम जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन, बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ा, पता नहीं कितना समझ में आया है, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज माय एड्रेस ऑफ माय चैनल, ऊपर मैंने आपको यूट्यूब चैनल का एड्रेस दिया हुआ है, तो इस यूट्यूब चैनल में आपको डिफरेंट वीडियोज मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड। एंड दीज टू बुक्स, ये दो बुक्स मैंने आपको दिखाई है नीचे जो ऑथर्ड है मेरे द्वारा एस चांद पब्लिकेशंस के थ्रू, ये एमएससी के लिए स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये दोनों बुक्स हैं, तो आपको कुछ कंसर्न करना होगा तो आप ये बुक्स अमेजन में भी उपलब्ध हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर नाइस लेक्चर। हेलो राजा जी, हां थैंक यू मैम फॉर योर नाइस लेक्चर, मुझे पता आई होप स्टूडेंट ने बहुत कुछ गेन किया होगा और आप आगे भी ऐसी लेक्चर्स में जैसी था। मैडम एक आप क्वेरीज स्टूडेंट की हैं जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, अगर आपके पास 2-5 मिनट का टाइम हो तो हम मैं उसको पढ़ के बता दूं आपको, अगर आप बता पाए तो और बच्चे भी इसको देख लेंगे। तो ये एक आध क्वेश्चन है मैडम मैं जो बोल रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्राउंड एटॉमिक स्टेट, ये क्वेश्चन है स्वाति का। हाँ ठीक है मैं बताती हूँ, आरती का है ना, आरती बेटा जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, देखिए स्वाति, स्वाति देखिए जो एक देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो D1 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखें तो उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा T2G में, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G1। ओके, और अगर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा E1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ई में, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है स्मॉल, ये हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ओके, देन अगर हम इसका टर्म देखें ग्राउंड स्टेट टर्म, तो अगर हम T2G1 कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है T2G में है, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ रहना चाहिए, या तो वो +1 वाले में होगा या वो 0 वाले में होगा या वो -1, उसके लिए तीन पॉसिबिलिटी है, उसके पास तीन घर है, तीन रूम है, वो तीनों रूमों में से कहीं भी जा सकता है, तो वो उसकी तीन पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो कैपिटल टी इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, कैपिटल टी इज द ग्राउंड स्टेट टर्म, वाइल T2G स्मॉल टी इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जब हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, कैपिटल लेटर से जो हम दिखा रहे हैं वो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि उसके पास तीन कमरे हैं, तीन रूम है, तो तीनों में से कहीं भी रह सकता है, अगर ई में है तो दोनों में से किसी भी कमरे में रह सकता है, उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, तो वो जो टर्म होगी वो ई होगी, कैपिटल ई, कैपिटल ई मीन्स टर्म और स्मॉल ई मीन्स कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू स्वाति। ओके मैडम, स्वाति से फिर हम जवाब ले लेंगे मैडम। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मुलेकिन टर्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्रुप थ्योरी, इट इज पॉसिबल और नॉट, स्वाति का ही एक क्वेश्चन हो रहा है, मुलेकिन टर्म को क्या हम ग्रुप थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत टफ है कैलकुलेट करना, मैंने इसीलिए जो जो डी और एफ टर्म है उनकी स्प्लिटिंग मैंने समझाने की कोशिश करी थी, वो हम समझा भी सकते हैं यहाँ पर मैंने समझाया, और मैंने ये भी बताया इनको कि ये चाहे पर्सनली मुझसे बात कर लें, डी टर्म कैसे स्प्लिट होती है मैंने स्प्लिटिंग पूरी दिखा दी है, वो मुलेकिन टर्म ही बताई मैंने,
और एफ टर्म कैसे लेकिन उसके आगे की जो टर्म्स हैं वो हम क्योंकि हमें जो ट्रांजिशन मेटल स्पेक्ट्रा उसके लिए केवल दो ही टर्म की जरूरत होती है एफ और डी की स्प्लिटिंग की, इसलिए मैंने वो दो स्प्लिटिंग यहाँ पर समझाई थी। और कोई भी दिक्कत तो आपके मैंने आपसे कहा मेरा यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर भी मैंने समझाया है और उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप की वीडियोज है एंड शी कैन कॉन्टेक्ट मी इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअली भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर। राइट राइट। लास्ट क्वेश्चन मैडम, एक और पूछा गया किसी स्टूडेंट से, व्हाई एफ टर्म कैन नॉट स्प्लिट 3+2+2 टी प्लस स्मॉल ई प्लस स्मॉल ई, ये एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है मैम ने। हां वो ना मैं मेरी आवाज हाँ वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकेशन के ऊपर ना। अभी जो मैंने स्प्लिटिंग इनको पैटर्न दिखाया अभी वो बहुत फास्ट था, अभी वो मैं उसको ला भी रही हूँ एक बार जल्दी से, मैं ला रही हूँ स्क्रीन दिख रही है मेरी, मैं जल्दी से उसको ला रही हूँ। यस मैम यस मैम। हाँ वो एक्चुअली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ना। एफ टर्म में आपको ये देखिए, ये नहीं दिस इज नॉट एफ टर्म, एफ टर्म में आपको दिखा रही हूँ ये जो डिपेंड करता है, मैं सिंपल वाली आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो एफ टर्म है, अगर ये देख रहे हैं बच्चे तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पहला वाला जो स्प्लिटिंग है उसमें जो है ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन टी टू जी में है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बीच वाली जो हम देखेंगे वहां पर आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन टी टू जी में है और एक ई जी में है। ये हम करते नहीं है, ये ग्रुप थ्योरी नहीं बता रही है, हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब आप देखिए इसकी डीजेनरेसी कितनी है, यहाँ पर आपको ये दिए देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया ये देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन पी टू जी में हो और एक इलेक्ट्रॉन ई जी में हो, ये देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो प्लस वन में है और जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है वो देखिए या तो पहले वाले में या दूसरे वाले में, इसकी टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। तो ये ई प्लस ई नहीं हो सकता, ये जनरली क्या होता है टी प्लस टी होता है, तो ये दो टी हो सकती है ई प्लस, ये ऐसे ये हम कॉन्फ़िगरेशन से बताएंगे एक्चुअली कि ये पॉसिबिलिटी कितनी है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता सकते हैं, इसलिए ये स्प्लिटिंग जो है वो इसी तरीके से होती है। राइट मैडम। एक्चुअली स्वाति को ये बताना चाहूंगी मैं, ये जो स्प्लिटिंग है ये थोड़ा तो जो ग्रुप थ्योरी का इफेक्ट है थोड़ा हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग जो है वो 7 में नहीं होती है, ये 10 में होती है, ये हमें कौन बता रहा है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ये जो स्प्लिटिंग है जो पहला वाला पोर्शन है वो 3, जो बीच वाला है वो 6 डीजेनरेसी है और जो लास्ट वाला है 1 डीजेनरेसी है, टोटल डीजेनरेसी 10 नॉट 7, 7 नहीं आती है इसकी, 10 आती है और 10 में से 3 जो है वो पी की टर्म होती है एक्चुअली। तो थैंक यू मैडम। हाँ जी मैडम, थैंक यू वेरी मच, और बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा, और काफी स्टूडेंट ने टोटल अभी तक जो स्टूडेंट थे उसमें से 10 स्टूडेंट का वेरिएशन हुआ टोटल लेक्चर में, तो इसका मतलब सबने काफी इंटरेस्टिंगली इस लेक्चर को सुना, और इसका हमने एक रिकॉर्डिंग वर्जन भी रिकॉर्ड किया हुआ है जो हम शेयर कर देंगे। और सभी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आज पहला दिन था तो कल से जो है हम टेक्निकली इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यही था इस केस। अब लास्ट में आप मैडम शालिनी से मैं कहूंगा कि इस पूरे के पूरे सेशन को आप कंक्लूड करके आप फिनिश करने की तरफ चलिए प्लीज। थैंक यू चारू, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर नाइस लेक्चर, और मुझे आशा है कि बच्चों ने जरूर जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गेन किया होगा और फ्यूचर में भी वो आपसे इस तरीके का लेक्चर और सुनना चाहेंगे, और जरूर हम आपके लेक्चर इसी तरीके से कराते रहेंगे अगर हमारे डायरेक्टर सर और डीसी सर हमें गाइड करेंगे। डायरेक्टर सर है यहाँ पे, मैं काफी देर से ज्वाइन था, मैंने वीडियो ऑडियो पहले से ज्वाइन कर रहे थे, मैं श्रीवास्तव, और मैं काउंट कर रहा था, बहुत अच्छा लेक्चर है मैडम का, 176 लोगों ने मैक्सिमम इसको ज्वाइन अटेंड किया, एग्जैक्टली 176 स्टूडेंट अटेंड किया, और बेहतरीन लेक्चर है, मेरे को नमस्कार मैडम और थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छा लगा कि हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से नमस्कार, मैं मोबाइल से भी हम मिले, इतना अच्छा लेक्चर थे, बहुत अच्छा लेक्चर आपका रहा है, इंटरेक्टिव लेक्चर रहा है, और हम चाहेंगे कि कल से और बच्चों के क्वेश्चन हम ऐड कर सके, शुरुआत में थोड़ी हमेशा दिक्कतें सभी को आती है क्योंकि हम पहली बार इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बेसिकली वर्कशॉप में। जी सर, अच्छा है सर, हमने शालिनी के साथ कल ट्राई किया था सर मोबाइल पर भी, तो इसीलिए कर लिया था ट्राई समय के साथ बहुत, और मोबाइल यूज करके आपने क्या, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी से भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं, और मेरा कल से लेक्चर सभी स्टूडेंट से पार्टिसिपेंट से फिर से रिक्वेस्ट है, जब भी ज्वाइन करें प्लीज 3 चीज ना करें, अपना माइक्रोफोन बंद रखें, अपना वीडियो बंद रखें और स्क्रीन शेयरिंग भी बंद रखें, इससे क्या होता है आप ही को डिस्टर्बेंस होता है, हमें कुछ हम आपके लिए सब काम कर रहे हैं, तो आप मुझे लगता है सभी पार्टिसिपेंट इसे सहयोग करेंगे, और फिर से मैं आप सब लोगों को जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं और गीता मैडम जुड़ी हैं तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम उनको इसी तरह ज्ञान बांटते रहेंगे। थैंक यू मेरी मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर थैंक यू मैम चलिए आप कंप्लीट करें ठीक है बंद कर लीजिए।